हेलो एवरीवन हाय दोस्तों नमस्कार स्वागत करता हूं आपका अड्डा ट्वेंटी फोर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पार्थ आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को ये क्लास बहुत मायने में बहुत ढंग से और बहुत जगह बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए इसमें आप लास्ट तक बने रहिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही बेसिक चीज को जो कि स्टूडेंट्स के लिए खासा एक प्रॉब्लम खड़ी करती है नंबर वन और यदि आपने ये चीज कंप्लीट कर ली तो इसका मतलब ये है कि आप अपने एग्जाम में और अपनी लाइफ में इंग्लिश में तो काफी अच्छे हो जाएंगे ये बहुत ही बेसिक चीज है एंड मैं आशा करता हूं कि आपने वो चीज गैस कर भी ली होगी कि आज हम क्या करने वाले हैं जी हां दोस्तों हम बहुत बिगनिंग से और बिल्कुल लास्ट तक आज हम करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है और हमारे बोलचाल की भाषा के लिए एंड वी कॉल Tenses. जी हाँ एक्सैक्टली exactly. दोस्तों आज की क्लास में हम लोग करेंगे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके बहुत सारे मेल्स आए बहुत सारे आए कि सर, टेंस करते हैं, लेकिन याद नहीं हो पाते भूल ही जाते हैं तो आज हम एक नए फॉर्मुला से मैं आपको बताऊंगा किसान आप याद रख सकते हैं बहुत सारे एक्सरसाइज करेंगे हम यहाँ पर टेंसेज की और बहुत कुछ कंप्लीट करेंगे तो मस्ती के साथ एक कॉपिक पेन लेके बैठ जाए यदि कहीं कोई कैसा भी क्वेश्चन है तो कॉमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखे और जो आपसे पूछने वाला हूं प्लीज 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 कोशिश जरूर करें कि कमेंट बॉक्स में आप आंसर दें क्योंकि दोस्तों जितना आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देंगे तो डेफिनेट है टू हंड्रेड मैं आपको रीच करूंगा और यदि कहीं कोई क्वेश्चन है तो आप उसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं जी हां इसीलिए कॉमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दें जिससे कि हम दोनों के बीच एक सही कॉन्वर्जेशन हो सके एम आई क्लियर

ठीक है तो देखो सबसे एक चीज और बता दूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक हमने जो अपनी क्लास स्टार्ट की है बिगनर्स को लेके बिगनिंग आ, की है क्लासेस की उसमें दोस्तों हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज कंप्लीट कंप्लीट करी करी है वो करी है वो वर्ब वर्ब यदि आपने अभी तक नहीं की है तो प्लीज आप यहां पर एक बार इस प्लेलिस्ट पर चले जाइएगा इंग्लिश की और आपको वर्ब का चैप्टर इंक्लूडिंग एक्सरसाइज एरर्स आपको मिल जाएगा जो कि फ्रॉम बेसिक टू एडवांस प्रॉपर होगा तो आप वर्ब कंप्लीट कर लीजिए आज हम कर रहे हैं टेंसेस टेंस पूरे कंप्लीट करेंगे और ये आपका पूरा इंडेक्स है हमें स्लोली स्लोली वन बाय वन वन बाय वन हर एक चीज को कंप्लीट करना है तो यहां तक आप लास्ट तक मेरे संग बने रहिएगा इसके बाद यदि ग्रामर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप मुझे बोल देना कि सर मजा नहीं आया क्योंकि तो मेरी गारंटी है आपको हर एक चैप्टर में बहुत मजा आएगा और लास्ट तक आप प्रॉपर मजे ले चुके होंगे आपको सब कुछ आ चुका होगा ठीक है इसलिए मैं कहता हूं कि आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं एक्सरसाइज करने के बाद कि आपने कितना किया या फिर क्या आया या फिर आपको कुछ पूछना है मुझसे तो ठीक तो चलो फिर बिना देने के स्टार्ट करते दोस्तों आज फ्रॉम बेसिक टू एडवांस टेंसेस ठीक है देखो एक सिंपल सी बात है हम लोग जो, जो बेसिक एडवांस बेसिक से एडवांस करने वाले हैं टेंसेस को उसमें सबसे पहले आपको जो ध्यान देना है वो ध्यान देना है बेसिक्स पर टेंसेस के लिए आपने बेसिक्स पकड़ लिए तो दोस्तों एडवांस अपने आप कंप्लीट हो जाएगा बेसिक्स सर क्यों भाई बेसिक होता क्या है जैसे मैथमेटिक्स का बेसिक ले ले तो हम टेबल ले सकते हैं हम लोग काउंटिंग ले लें टेबल्स ले लें ले, तो भैया ये मुझे पहाड़े याद हैं तो मैं बाकी चीज़ कर जाऊंगा राइट कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी मेरी और मैं एग्जाम में कैलकुलेशन के माध्यम से ही बहुत जल्दी अप्रोच बना लूंगा आंसर्स को लेके सेम इंग्लिश में होता है इंग्लिश में बेसिक्स क्या है इंग्लिश में बेसिक ये है कि कौन सा टेंस कैसे पहचानते हैं और उसे हम कैसे लिखेंगे

wh फैमिली का यूज हो जाए who which what where तो शुरुआत करेंगे नंबर वन से पहला अफर्मेटिव और पॉजिटिव क्या होते हैं दोस्तों अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस एक ही प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिनमें की नेगेटिविटी शो नहीं की जाती जो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं अफर्मेटिव और पॉजिटिव आप इन्हें सिंपल सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं पहले तो आप ये समझ लीजिए आप ने दोस्तों सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं ठीक है अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सर पॉजिटिव क्या कहलाएगा जैसे मैं आपसे ये कहूं he is a boy. Number one sentence. तो ये क्या है ये पॉजिटिव है क्यों क्योंकि ही इज अ बॉय वो एक लड़का है सकारात्मक वाक्य है सकारात्मक का मतलब क्या हो गया अफर्मेटिव अफर्मेटिव मतलब सिंपल हमने वर्ब यूज कही है और वर्ब को यूज करके हमने एक लड़के को डिफाइन किया कि वो लड़का क्या है मतलब वो कौन है वो एक लड़का है तो ही इज द बॉय ये कहलाएगा पॉजिटिव सेंटेंस इसी के माध्यम से दोस्तों एक और सेंटेंस से ले सकते हैं यदि मान लीजिए मैं आपसे कहूं पॉजिटिव मैं, मैं आपसे कह सकता हूं आई गो सिंपल बहुत ही सिंपल लीजिए मैं जाता हूं तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है किस टेंस से बिलोंग करता है ये छोड़ दीजिए अभी ये नहीं सोचना आपको आई गो ये पॉजिटिव सेंटेंस है एक और ले लेते हैं हम लोग नंबर थर्ड मैं आपसे कहूं शी वर्ग दोस्तों मैंने क्या कहा मैंने कहा शी वर्ग सो वट इज दैट मीन उसने काम किया ये कौन सा सेंटेंस से? है दोस्तों ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस वो सभी सेंटेंसेस कहलाते हैं जो कि सिंपल होते हैं जैसे ही इज अ बॉय इज अ बॉय आई गो शी वर्क

ही इज नॉट अ बॉय ये कौन सा सेंटेंस हो गया नेगेटिव सेंटेंस मैं यही लिख दूं इसी सेंटेंस को सेकंड वाले को आई डू नॉट गो ये कौन सा हो गया ये हो गया नेगेटिव तो नेगेटिव सेंटेंस कौन से कहलाते हैं जिनमें नॉट लग जाए तो मैंने इनमें नॉट लगा दिया ऐसे ही शी वर्क का शी डिड नॉट वर्क ठीक है ये हो गया नेगेटिव तो जहां नॉट का यूज हो जाए वो नेगेटिव हो गया ठीक अब आ जाओ इंटेरोगेटिव सेंटेंस भैया ये interrogative क्या कहलाएंगे दोस्तों बहुत है वो sentence जैसा कि मैंने आपको बताया जो लास्ट में question mark ले, ले जिनके last में हम क्वेश्चन मार्क लगा दें फिर sentence कुछ भी हो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया तो ये डेफिनेट है ये ब्रह्म वाक्य है कि वो सेंटेंस क्या कहलाएगा इंटेरोगेटिव सर एग्जांपल जैसे इसी को ले लो ही इज नॉट अ बॉय तो मैं क्या इसको ये कह सकता हूं Is he ही बॉय क्वेश्चन मार्क क्या वह एक लड़का है मैंने कैसे बनाया इज फिर ही सब्जेक्ट नहीं है आपका आपका सब्जेक्ट है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा या नहीं आ रहा हमने लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया मतलब ये क्या कहलाएगा इंटेरोगेटिव ऐसे ही एक सेंटेंस और था मैंने कहा आई गो तो मान लीजिए मैं आपसे कहूं वाई डू आई गो वैसे तो एच फैमिली अभी नीचे आएगी तो हम नीचे लिखते हैं तो चलो मैं इसको हटा देता हूं पहले क्योंकि डब्ल्यूएच फैमिली का सेंटेंस हम नीचे लिखेंगे अभी मैं लिख देता हूं डू आई गो क्वेश्चन मार्क तो क्या बन गया ये इंटारोगेटिव सेंटेंस बन गया शी वर्क्ड तो क्या मैं लिख सकता हूं Did she work? Question mark. So, इसका मतलब क्या हो गया जिन सेंटेंसों के लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज कर लें वो सारे सेंटेंसिस क्या कहलाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव का मतलब क्या हो गया हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द सिंपल है बचपन से पढ़ा था तो भैया पॉजिटिव सेंटेंस जो बिल्कुल ही सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं उन्हें कहते हैं पॉजिटिव ही इज अब आई गो शी वर्क नेगेटिव सेंटेंस जिनमें नॉट या नेवर यूज हो जाए जैसे ही इज नॉट अ बॉय ट गो या शी डि नॉट नेगेटिव हो गया जिनमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज हो जाए इज ही अव या फिर डिड शी वर्क तो भैया लास्ट में क्वेश्चन मार्क कब लगता है जब आप कोई प्रश्न पूछते हैं किसी से तो आपने यहां पे प्रश्न पूछा इंटेरोगेटिव बन गया सिंपल था आ रहा भी है कुछ समझ में नहीं आ रहा आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक करते चले मस्ती से अब आ जाओ इंटेरोगेटिव तो भैया इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या है कि इंटेरोगेटिव तो होना ही चाहिए क्वेश्चन मार्क तो होना ही चाहिए बस नेगेटिव के लिए हमें नॉट का यूज और कर देना है ठीक है जैसे कि मैंने लिखा इजी अब यदि यह कह दूं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं खत्म मैंने क्या कह दिया इज ही नॉट अ बॉय क्या वो लड़का नहीं है ये क्या बन गया इंटेरोगेटिव बन गया और नेगेटिव बन गया क्यों क्योंकि नॉट का यूज कर दिया तो दोस्तों बस यही चीज है ये इंटरोगेटिव था क्योंकि क्वेश्चन मार्क था ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है क्योंकि क्वेश्चन मार्क तो है ही लेकिन साथ ही साथ क्वेश्चन मार्क के यहां नॉट भी लग गया तो जहां क्वेश्चन मार्क के समय नॉट लग गया वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव कहलाएगा ठीक है इसी का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे मैंने आपसे कहा था डू आई गो तो क्या मैं ये नहीं कह सकता डू आई नॉट गो क्या मैं नहीं जाता हूं डू आई नॉट गो ये इंटेरोगेटिव बन गया नेगेटिव साथ में ठीक है तो दोस्तों यही कहलाते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस आई होप कि यहां तक आपको बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी ठीक है अब आ जाओ बच्चों डब्ल्यू एच फैमिली तो भैया डब्ल्यू एच फैमिली क्या होती है

वाई इज य बॉय सिंपल हमने डब्ल्यू एच फैमिली यूज करी और डब्ल्यू एच के संघ हमने क्वेश्चन मार्क यूज कर लिया बच्चों डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब हो गया हुए हुइट right? फिर से रिपीट करेंगे हुट वेयर वाय हूम हुइट सो so, दोस्तों ये आठ प्रकार के डब्ल्यू फैमिली होती हैं जिनमें हमने अभी यूज किया वाई का ऐसे आप सबका यूज कर सकते हैं तो डब्ल्यूएच फैमिली का मतलब हो गया डब्ल्यू कोई भी वर्ड और उसके साथ क्वेश्चन मार्क ठीक है एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जैसे अभी मैंने यहां पर लिखा था डू आई गो क्या मैं जाता हूं तो क्या मैं लगा सकता हूं मैं कहा जाता हूं तो इसके लिए मैं लगाऊंगा कहां की इंग्लिश वेयर फिर बन गया डू आई गो क्वेश्चन मार्क वेयर डू आई गो मैं कहां जाता हूं भाई मुझे भी तो बताओ कि मैं कहां जाता हूं तो वेयर डू आई गो सिंपल था सो डब्ल्यू एच फैमिली ये हो गई तो अब मैं आशा कर सकता हूं कि भैया सबको समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव और डब्ल्यू एच फैमिली यदि आपको ये समझ में आता है कि काइंड ऑफ सेंटेंसेज ऐसे किए जाते हैं और इतने प्रकार के सेंटेंसेज होते हैं अब हम समझेंगे कि सेंटेंसेस बनाए कैसे जाते हैं राइट right? लेकिन इतना क्लियर हो गया आप सभी को आगे बढ़ाए मस्ती के साथ सभी मेरे शेर राइट right? और शेर नहीं आ भी ठीक है चलो दोस्तों अब आ जाओ पहले वर्ब्स पे क्योंकि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे शरीर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आप कह सकते हैं हार्ट कोई कहेगा ब्लड राइट right? कोई कहेगा बोन्स कुछ भी कह सकते हो तो हमारा शरीर जिन चीजों पे चलता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसी तरह दोस्तों सेंटेंस पे चलता है वो कहलाती है वर्ब तो किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि वर्ब्स क्या होती हैं वैसे तो मैंने आपको एक वर्ब के पर्टिकुलर चैप्टर में आपको बताया वर्ब क्या होती है तो आप प्लीज उस चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि उसमें मैंने आपको ब्रॉड वे में समझाया है बहुत अच्छे से वर्ब समझाइए एग्जाम परपज से यहां हम समझेंगे वर्ब को केवल टेंस टेंपज से ठीक है कि वर्ब क्या है पहला तो वर्ब हो गया हिंदी में क्रिया राइट आप क्रिया को कहते हैं वर्ब कोई भी चीज का करना और करने के लिए किसी भी चीज का होना वो वर्ब कहलाती है तो वर्ब एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अब ये क्या है भैया वर्ब वर्ब तीन प्रकार की होती है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और स्पेशल वर्ब जी टली हाँ, exactly. वैसे तो ट्रांसटिव वर्ब इन ट्रांटिव वर्ब वो भी एक होती हैं लेकिन हम उतना नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपको आना बहुत जरूरी है यानी मुझे वर्ब नहीं आती ना तो मतलब मैं धोखा दे रहा हूं खुद को मैं सेंटेंस बना ही नहीं सकता कभी भी लिख के रख लीजिए ये फिर से ब्रह्म वाक्य है यदि आपको वर्ब नहीं पता बच्चों तो आप सेंटेंस नहीं बना सकते हो

वैसे तो मेरी हिंदी थोड़ी अजीब सी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है काम कर जाएगी ठीक है सहायक क्रिया अब भैया सहायक क्रिया क्या है जैसे हमारे इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब होती है मैं आपको यहां पर लिखवाना चाहूंगा इज एम आर डू डज ये प्रेजेंट की है इज एम आर डू डज और इसमें भी दो और इंक्लूड होंगी हैज और ये हेल्पिंग वर्ब है जो सहायक क्रिया कहलाते हैं ठीक है ठीके? इसी के साथ फिर पास्ट की हो जाती है वॉज वेर और डिड ये हो गया दोस्तों पास्ट की हेल्पिंग वर्ब और इसी के साथ फिर फ्यूचर की हो जाती है विल और शैल अब ये गिनो क्या ही थर्टीन हो गई यदि तेरह हो गई है तो ये हेल्पिंग वर्ब थर्टीन होती है थर्टीन कौन सी रह गई इज एम आर डू डज हैज हैव हैड रह गई पास्ट की क्योंकि हैज हैव है और पास्ट में हैड आता है, जिस है ऐसे ही हैड का यूज करते हैं ठीक है हैड वाज वेयर डिड विल शैल ये होती है दोस्तों हमारी 13 हेल्पिंग वर्ब ठीक है हम इनको ब्रॉडवे में पढ़ेंगे जब अभी हम टेंस पढ़ेंगे तो इतना क्लियर हो गया ये सब सहायक क्रिया कहलाती है जो कि सेंटेंस में सहायता करती हैं आप जहां भी इनको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब हैं ठीक है ठीके? इतनी चीज आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेगी अच्छा मेन वर्ब क्या होती है बच्चों मेन वर्ब का मतलब हो गया मुख्य क्रिया अच्छा मेन वर्ब का मतलब क्या है मेन वर्ब का मतलब है मुख्य क्रिया मुख्य क्रिया का मतलब क्या हो गया ये सेंटेंस की जान होती है सेंटेंस जो है इस पे डिपेंड होते हैं कुछ जहां हेल्पिंग वर्ब तो लगती लगती है लेकिन मेन वर्ब से आप सेंटेंस एक्चुअल पहचान पाते हैं इनको आप दोस्तों एक्शन वर्ब भी बोलते हैं ये मेन वर्ब जो है ये एक्शन वर्ब के नाम से भी जानी जाती हैं एक तो आप ये समझ लें पहले ठीक है ये मेन वर्ब आप एक्शन वर्ब भी बोलते हो इनको ये एक्शन वर्ब के नाम से भी जाने जाती है नंबर वन नंबर सेकंड अब एक्शन वर्ब क्या होती है दोस्तों एक्शन वर्ब वो सारी वर्ब होती हैं जिनमें कोई ना कोई एक्शन लिया जाता है जब आपको मालूम पड़ता है कि हां ये एक्शन लिया जा रहा है ये एक्शन किया गया है तो वो एक्शन वर्ब है जैसे एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं गो तो आप किसी को कह रहे हो गो अरे भैया गो तो क्या वो बिना एक्शन लिए गो हो जाएगा क्या वो बिना एक्शन लिए चला जाएगा नहीं तो गो क्या है मेन वर्ब है ऐसे में आपसे कहूं कम क्या कोई बिना एक्शन लिए आ जाएगा नहीं एक्शन वर्ब है मैं आपसे कहूं हिट या मैं आपसे कहूं सिट या मैं आपसे कहूं प्ले या मैं आपसे कहूं बाय बाय कौन सा बी वाई बाय या मैं आपसे कहूं ब्रिंग ये सब क्या कह रहा हूं मैं आपसे दोस्तों इन सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्शन लिया जा रहा है मतलब 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 लाना, मतलब खरीदना, प्ले मतलब खेलना, सिट मतलब बैठना, या मतलब तो एक्शन वर्ब, मतलब वर्ब।, तो वर्ब कहें दे बोथ आर सेम ठीक है और ये सब कहलाती है मेन वर्ब इन्हीं की फॉर्म होती है फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म हम जो बचपन में पढ़ते आते हैं ना कि भैया तो आ, वर्ब की कितनी फॉर्म फॉर्म होती होती तो हमने पढ़ा सर चार होती है. कौन कौन सी भैया फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है तो वो किस में होती है वो एक्शन वर्ब में होती है ठीक है हेल्पिंग वर्ब की कोई फॉर्म नहीं होती लेकिन एक्शन वर्ब की ये चार फॉर्म होती हैं ठीक है ठीके? आगे हम पढ़ेंगे इतना क्लियर हुआ एटसेट्रा ये बाकी

अभी कुछ दिन पहले मैं वाई पे पढ़ा रहा था मतलब आ, जब मैं बैंक की तैयारी करवा रहा था अभी तो एक स्टूडेंट का आ, मेरे पास मैसेज आया कि सर मोडल्स ये तो हमने पढ़े ही नहीं है कभी नहीं आपने पढ़े आपने पढ़े मॉडल नाम से राइट इनका एक्चुअल प्रोनाशिएशन मुडाल कहलाता है लेकिन आप इसको मॉडल भी कहते हैं तो ऐसा नहीं कि मॉडल नहीं कह सकते बस हम मॉडल इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि मॉडल यदि ये, ये होंगे जो मैं पढ़ाने वाला हूं तो फिर जॉन अब्राहिम डेनो मारिया विपाशा बासु ये क्या है ये मुड़ाल है नहीं वो मॉडल है जो रैंप पे वॉक करते हैं ये मुड़ाल्स हैं ठीक है तो स्पेशल वर्ब जो है उनका दूसरा नाम मुड़ाल्स भी कहलाता है और ये क्या है ये दोस्तों होती हैं जो आपने बचपन में पढ़ी है बहुत अच्छे से कैन कुड वुड मे माइट should, need, dare, etc. ये सब कहलाते हैं मुडालस ठीक है और इनके अलावा काफी होते हैं इनके अलावा बहुत सारे होते हैं तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको आना चाहिए कि ये मुडालस होते हैं दोस्तों अब ये कैसे काम करते हैं अभी हम ये नहीं समझेंगे क्योंकि ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा अभी आप ये समझ लें कि ये क्या क्या होते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होती है मेन वर्ब क्या होती है और मोडाल क्या होते हैं ये कैसे काम करते हैं ठीक है इज इट क्लियर अभी हम जो टेंस करने वाले हैं उन टेंसों में दोस्तों स्पेशल वर्ब मतलब का कोई काम नहीं होगा क्योंकि टेंस का मोडाल से कोई भी लेना देना नहीं है राइट मोडाल्स वाले टेंसेस हम बाद में समझेंगे अभी हम सिंपल सेंटिस समझेंगे सिंपल टेंसेस जो हमारे एग्जाम के लिए और हमारी स्पोकन के लिए जरूरी होते हैं चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से बने और चाहे वो मेन वर्ब से बने इतना आपको क्लियर हुआ सभी को ज एनी बी इज नॉट क्लियर विद क्या कोई भी व्यक्ति ऐसा ऐसा चीज क्लियर ना हुई हो जिसको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो यदि है तो प्लीज मुझे जरूर पूछिएगा ठीक है आपको एक चीज समझाना चाहूंगा जो कि आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है टेंस में वो बताए क्या है कि टेंस देर आर हाउ मेनी काइंड ऑफ टेंसेज आर देयर हाउ मेनी ऑफ टेंसेज आर देयर तो भाई देर आर द थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस सभी को मालूम है वो थ्री टाइप्स कौन कौन से हैं थ्री टाइप्स में दोस्तों पहला आता है पास्ट ठीक है नंबर सेकंड आता है प्रेजेंट और नंबर थर्ड आता है फ्यूचर सो थ्री टाइप्स आर देयर ये आप ध्यान रखिए जो होते हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं एक हो गया पास्ट एक हो गया प्रेजेंट एक हो गया फ्यूचर वैसे इसमें कुछ नहीं होता यदि आप कहें कि पहला प्रेजेंट होता है सर तो हां आप पहला प्रेजेंट भी कह सकते हैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको शूट कर दूंगा अरे यार पहला प्रेजेंट क्यों कह दिया बिल्कुल कह सकते हो लेकिन एक्चुअल में पहले जो बीत गया जो है और जो आएगा इस हिसाब से हम लेते हैं इसीलिए मैंने आपसे पास्ट फिर, फिर फ्यूचर मतलब तो पास्ट भी चार प्रकार का होता है प्रेजेंट भी चार प्रकार का होता है और फ्यूचर भी चार प्रकार का होता है तो वो चार प्रकार कौन से होते हैं अब उनको भी समझ लीजिए आप उनको समझने के लिए अब आपको समझना पड़ेगा ईच सेंटेंस हैज फोर काइंड ठीक है जैसे जो पास्ट के होंगे वही प्रेजेंट के होंगे वही फ्यूचर के होंगे तो उनमें नंबर ए आता है बच्चों इंडेफिनेट ठीक है नंबर बी आता है कॉन्टिन्यूस नंबर सी आता है परफेक्ट एंड नंबर डी आता है बच्चों परफेक्ट कंटिन्यूस आई होप दिस वन इज विजिबल टू एवरी वन ये सबको बहुत अच्छे से विजिबल होगा अब मैं आपको दोबारा समझाऊंगा जैसा कि मैंने आपसे बताया कि तीन प्रकार के टेंस होते हैं जिनमें से एक होता है पास्ट एक होता है प्रेजेंट और एक होता है फ्यूचर ठीक है ये हो गए तीन प्रकार के टेंस और अब इनमें हर एक टाइप को हमने चार भागों में बांटा है हमने चार चीजों में डिवाइड किया है पास्ट के चार टाइप होते हैं प्रेजेंट के भी ये चार टाइप होते हैं और फ्यूचर के भी ये चार टाइप होते हैं कौन कौन से जैसे पास्ट की बात करूं तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ऐसे करके प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए यहां तक सिंपल था सभी लोग कर सकते हैं यदि यह क्लियर हो गया दोस्तों तो अब हम डायरेक्ट करेंगे हर एक रूल को पहले स्टार्ट करेंगे पास एंडेफिनेट से लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ये है टाइप्स ऑफ टेंसेज और हर एक टाइप का काइंड चार चार होता है ठीक है क्लियर भी बारे यदि क्लियर है तो मुझे जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में कि हां सर मजा आ रहा है क्लियर है ठीक है आप प्लीज मुझे जरूर बताएं जिससे कि मेरा भी उत्साह वर्धन होता रहे आपके साथ साथ अब दोस्तों हम मस्ती से उतर आए हैं एक चीज पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है हमारा मेन जो हम आज कॉन्सेप्ट लेके बैठे हैं टेंसेस का तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पास एंड को आप पहले रूल समझेंगे दोस्तों जो हमारे समझ में नहीं आते थे बचपन से राइट यहां मैंने आपको सभी के रूल बताए चाहे वो सिंपल हो नेगेटिव हो इंटररोगेटिव हो इंटररोगेटिव नेगेटिव हो डब्ल्यूएच फैमिली हो ये रूल जो है ना ये सभी टेंस में काम करेंगे तो इनको एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनका अपने पास रखेंगे या फिर आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं और इनको देखेंगे कि ये कैसे बने हैं ठीक है तो पहले हम देखेंगे दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस आज का श्री गणेश तो पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है भाई को समझने के लिए पहले आप ये समझिए जो पीछे घटना घट गई जो अभी कुछ ठीक है? क्या होता है? सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ब की फॉर्म होती है तो वर्ब की फॉर्म क्या होती है वर्ब की दोस्तों फौर, चार फॉर्म होती है मैं यहां पर आपके लिए लिख दे रहा हूं बगल में दे आर वर्ब फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म ऐसे करके वर्ब की चार फॉर्म होती हैं ठीक है थीके? तो पास एंड में हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं भी सेंटेंस में संसार इस जगत के ब्रह्मांड के कहीं भी किसी भी सेंटेंस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए आपको क्रिया की दूसरी फॉर्म मिल जाए तो आप समझ जाइएगा ये सेंटेंस कहां से बिलोंग करता है पास एंड से क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं और नहीं आती है ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म बनी है ना केवल बनी ही इस टेंस के लिए है तो यह चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा एंड में आती है इसीलिए मैंने लिखा वर्ब की सेकंड फॉर्म और इसी सेंटेंस को जब वर्ब की सेकंड फॉर्म में आप लिखते हैं तो उसको यदि आपको नेगेटिव में चेंज करना होता है तो वो नेगेटिव या क्वेश्चन में तो वो डिड में कन्वर्ट होकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लेता है मैं बताऊंगा कैसे जहां डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या फिर केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए वो बच्चों पास्ट इनडेफिनेट कहलाता है क्लियर हुआ ठीक है अब जैसे कि एग्जांपल देखेंगे अभी आप इसको मत देखो ये रूल मैं आपको बताऊंगा मान लीजिए मैं आपसे कहूं आई वेंट पुलिस मैंने सेंटेंस लिखा आपसे आई वेंट ये जो वेंट है ना ये किसकी फॉर्म है बच्चों ये गो की फॉर्म है ठीक है ये गो की सेकंड फॉर्म है हम सभी जानते हैं गो की सेकंड फॉर्म क्यों है गो फर्स्ट फॉर्म होती है गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन और फोर्थ फॉर्म गोइंग अभी हमने जो लिखे थे कि वर्ब की चार फॉर्म होती हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वो यहां पे हैं गो फर्स्ट फॉर्म हो गई फोर्थ फॉर्म हमेशा गया और जब मैं गया तो यहां पर मैंने वेंट क्यों लगाया? क्योंकि मुझे जाने की इंग्लिश देखनी है और जाने की इंग्लिश होती है गो और गो की सेकंड फॉर्म वेंट तो मैंने वेंट लगा दिया क्लियर हुआ तो इंग्लिश में हो गया जहां वर्ब के सेकंड फॉर्म आए और हिंदी में हम कहते हैं दोस्तों जहां सेंटेंस में या ई छोटी ई बड़ी ई छोटा ए बड़ा ए ऐसे वर्ड के उच्चारण आए जैसे हम कहते हैं ना मैं गया उसने पानी पिया वे आए मम्मी ने खाना बनाया पिताजी बाजार गए कौन आया तो ये समय एक साउंड हो रहा है लास्ट में आ ई ए ये जो साउंड होता है लास्ट में यही साउंड दिखाता है कि कोई काम हो गया और इसी साउंड के बल पर आप पहचानते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट है ठीक है जहां या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है या फिर हम क्या लगाते हैं डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अब ये कैसे लगेगा अब इसको देखेंगे लेकिन पहले समझ में आया आई वेंट ठीक है मैं गया अब इसको हम थोड़ा रूल में देखेंगे देखिए यहां पे एक रूल था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यहां इस में ऑब्जेक्ट नहीं है राइट right? यहां पे सिंपल है आई वेंट सब्जेक्ट के संग वर्ब वर्ब की की सेकंड सेकंड फॉर्म फॉर्म तो हमने की लगा दी लेकिन जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि ये कह रहा है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ये डिड कौन सा है ये डिड नॉट वाला डिड है हम डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैं इधर लिख देता हूं आई वेंट अब मैं इसका एग्जाम्पल लिखूं एक और नेगेटिव में तो क्या लिखूंगा आई डिड नॉट गो पुलिस क्लियर हुआ आप सभी को आई होप कि किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा आई डिड नॉट गो हमने क्यों लिखा आई डिड नॉट गो क्योंकि आई वेंट में वेंट जो थी वो गो की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है अब जब हमने इसको नेगेटिव बनाया तो हमने लिख दिया आई डिड नॉट गो मैं नहीं गया अब मैं नहीं गया तो इसका सिंपल से सिद्धांत था कि भैया जहां सब्जेक्ट के संग आई के साथ नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाए वो कहलाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव आई डिड नॉट गो इतना क्लियर हुआ आप सभी को सिंपल हमने बनाया आई वेंट और नेगेटिव बना दिया आई डिड नॉट गो तो सिंपल का रूल ये है नेगेटिव का रूल ये था राइट right? एवरीबॉडी अब ये वाला रूल क्या है ये इंटेरोगेटिव का रूल था जो हमने पढ़ा था कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अब इसको समझने के लिए क्या करना है देखिए ये तो एक्सरसाइज है हम पहले यहां लिखते हैं तो यहां मैं आपके लिए लिख देता हूं अभी अभी हमने जो लिखा पास इंडेफिनिट का तो एक मैंने आपको एग्जाम्पल लिखा वेंट दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिखा आई डिड नॉट गो थर्ड एग्जाम्पल जो मैं लिखूंगा वो क्या लिखूंगा थर्ड अब इसी का दोस्तों सौ इंटेरोगेटिव

उसके बाद सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब मतलब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्यों क्योंकि डिड के साथ आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं ये बात ध्यान रखिए डिड अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है सर ऐसा क्यों और ये हम कब तक याद रखें कि डिड हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है अरे भैया एक बात बताओ आपने कोई जींस पहन रखा है तो क्या उस जींस के ऊपर दोबारा एक जींस लाद लोगे नहीं ना एक लड्डू अपने मुंह में खा रखा है तो दोबारा एक और लड्डू मुंह में भर लोगे क्या नहीं एक खा लो उसके बाद खा लेना यही रूल कहता है कि जब डिड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी है क्या होता है? डू की सेकंड फॉर्म डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है ठीक है और इसकी थर्ड फॉर्म डन होती है डू डिड डन ये फॉर्म होती है तो डू फर्स्ट फॉर्म हो गई सेकेंड फॉर्म डिड हो गई और थर्ड फॉर्म डन हो गई तो जो सेकंड फॉर्म दोस्तों डिड है जब हमने ऑलरेडी सेकंड फॉर्म यूज कर दी तो अब हम गो की सेकंड फॉर्म को क्यों यूज करेंगे एक जंगल में दो राजा नहीं हो सकते इसी तरह एक सेंटेंस में दो सेकंड फॉर्म नहीं हो सकते फर्स्ट तो फॉर्म लग लगेगी ठीक है इसीलिए ये रूल बना अब आ जाओ नंबर थर्ड के बाद नंबर फोर पे नंबर फोर क्या कहना चाह रहा है बच्चों जैसे मैंने बनाया अब बनाऊंगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव तो इंटरगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा डिड आय नॉट हां देखने वाली बात यह है कि यहां पर नॉट जो है वह सब्जेक्ट के बाद लगेगा ना कि सब्जेक्ट से पहले तो इस चीज को याद रखेंगे डिड आई नॉट काफी लोग कह रहे थे डिड नॉट आई नो 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 नॉट डिड नॉट आई डिड आई नॉट गो क्वेश्चन मार्क क्या ये बात क्लियर हुई आप सभी को इज एनी सिंगल वन हुज नॉट क्लियर विद दिस वन क्या कोई भी व्यक्ति ऐसा इसको क्लियर ना हुई हो सिंपल है आई वेंट मैं गया आई डिड नॉट गो मैं नहीं गया डिड आई गो क्या मैं गया और डिड आई नॉट गो क्या मैं नहीं गया अब बसता है डब्ल्यू एच फैमिली नंबर फिफ्थ तो बच्चों डब्ल्यू एच फैमिली क्या कहती है डब्ल्यू एच फैमिली कहती है कि मैं इसको कैसे बनाऊं कि मैं कहां गया तो कहां के लिए वेयर डब्ल्यू एच के तुरंत बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाए डब्ल्यू एच फैमिली यूज करी फिर आप तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगाए वेयर डिड आई गो और क्वेश्चन मार्क वेयर डिड आई गो मैं कहा गया सो वेयर डिड आई गो एंड राइट स्टेटमेंट दोस्तों ये बन गए पांच प्रकार के सेंटेंस जो कि आपने अभी यहां देखे आ, कहां गया ये इस साइड था पांचवा डब्ल्यू एच प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये लास्ट वाला था क्लियर हुआ तो इस तरह से हमने सीखा कि पास्ट एंड को कैसे हम पांच टेंस में बना सकते हैं और बाकी सारे टेंस सारे के सारे टेंस ऐसे ही पांच टेंस में बन जाएंगे so, दोस्तों ये थी आपके लिए एक, एक कि कैसे पास्ट एग्जाम्पलिट को पहचानेंगे वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई पहले में सेकंड में डिड के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई क्योंकि डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है थर्ड में डिड के संग फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई इंटरोगेटिव फोर्थ में डिड के संग नॉट लगा और चूंकि डिड है तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई और फिफ्थ में डब्ल्यूएच फैमिली से सेंटेंस बनाया तो डब्ल्यूएच के तुरंत बाद डिड और इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लियर हुआ यदि ये क्लियर हो गया तो दोस्तों जल्दी से आ जाओ अब एक्सरसाइज पे अब देखते हैं कि किसमें कितना है दम और कौन है यहां पे बाजीराव सिंघम तुम्हें मजा आएगा चलो मेरे संग करेंगे दोस्तों हमें इन सबको करेक्शन करना है ठीक है मतलब ये सारे सारे के कहीं ना कहीं गलत होंगे और चूंकि हमने पास सीखा है, तो हमें चेंज करना है, 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 है? जल्दी से कर लो आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके आप जल्दी से कर ले और अब आप आंसर मैच करेंगे मेरे साथ ठीक है और बताएंगे मुझे कॉमेंट बॉक्स में पास्ट बॉ इंडेफिनिट के कितने सेंटेंस आपने सही किए बिना देखे मेरे ठीक है तो पहले आ जाओ पहले सेंटेंस ने कहा ही गिव्स मी पेन पैन सेंटेंस है अब क्या ये पास एंड डेफिनेट है जी नहीं ये पास नहीं ये डेफिनेट है क्यों क्योंकि गिव की सेकंड फॉर्म गेव होती है क्या होती है गेव गिव गेव गिव, गिवन ठीक है तो पहले ध्यान रखें गिव की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है गिव, गेव गिवन ऐसे करके तो जब ये फॉर्म होती है गिव की तो हमें इतनी चीज क्लियर हो गई कि गिव गेव गिव, गिवन जब ये फॉर्म पूरी पूरी हो रही है तो यहां पे जब मैंने आपसे कहा अ पेन वो मुझे पेन देता है तो मुझे बनाना है पास एंड डेफिनेट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म ये रही तो क्या बनाऊंगा ही गेव मी अ पेन स्टॉप एंड पेन उसने मुझे एक पेन दिया एंड दैट्स ऑल आई होप कि सबको क्लियर हुआ होगा ही गेव मी अ पेन उसने मुझे एक पेन दिया गिव्स की सेकेंड फॉर्म के साथ क्लियर हो गया सभी को आ जाओ नंबर सेकंड सेंटेंस पे आ जाओ नंबर सेकंड ने कहा शी फिनिशेस हर होमवर्क सेम सेंटेंस है आपको यहां पे पास एंड बनाना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि फिनिश की सेकंड फॉर्म क्या होगी तो क्या होगी फिनिश की होती है फिनिश्ड तो सेंटेंस हो जाएगा शी फिनिश्ड हर होमवर्क and that should be the right answer. She finished her homework. Am I clear, everybody? सबको clear हो रहा ना मस्ती से? Simple था. चलो. Number third क्या कह रहा है आपसे? Number third कह रहा है they receive a letter. उन्होंने अपने letter receive किए. देखिए यदि आपको यहाँ पे वर्ब नहीं आती है, तो यहां पे वर्ब सीखने का भी मौका है मैं आपको वर्ब बताता जा रहा हूं साथ साथ तो मस्ती से सीखते जाएंगे ठीक है ने कहा दे रिसीव लेटर वो एक लेटर रिसीव करते हैं लेकिन हिंदी क्या बननी चाहिए अपना होमवर्क कंप्लीट मतलब फिनिश किया ही दे रिसीव अटर तो इसकी बननी चाहिए रिसीव की सेकेंड फॉर्म होती है रिसीव तो सैनस क्या बन जाएगा बच्चों दे रिसीव अ लेटर उन्होंने एक पत्र ग्रहण किया या उन्होंने एक पत्र रिसीव किया स्वीकार किया तो या मेंस जा रहा है क्लियर हो गया आ जाओ नंबर फोर पे नंबर फोर कहना चाह रहा है यू हैव टॉक्टू हिम ओ हो ये तो हैव वाला सेंटेंस है लेकिन पास एंड तो हैव आता ही नहीं है तो सिंपल वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी और हैव हट जाएगा यू टॉक्ड टू हिम क्योंकि टॉक की सेकेंड फॉर्म टॉक्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी टॉक्ड होती है तो सेंटेंस बन जाएगा टू हिम तुमने उससे बातें की तो तुमने उससे बातें की यू टॉक टू हिम ऐसे आ जाइए यहां पे नंबर फाइव पे शी डज नॉट लाइक मी वो मुझे पसंद नहीं करती है तो आप जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में डज नॉट नहीं लगता हमने देखा था बच्चों नेगेटिव में क्या लगता है डिड तो क्या बन जाएगा शी डिड नॉट लाइक मी का वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लाइक ही रहेगी मी का मी शी डिड नॉट लाइक मी वो मुझे पसंद उसने नहीं किया या वो मुझे पसंद नहीं करती थी तो शी डिड नॉट लाइक मी एंड दैट शुड बी द राइट आंसर क्लियर सभी को समझ में आ गया बहुत अच्छे से चलो अब आ जाओ क्वेश्चन वाला सेंटेंस आ गया ये डू आई गो देर क्या मैं वहां जाता हूं सैनिस ने कहा क्या मैं वहां जाता हूं डू आई गोदेड़ आपको क्या बनाना है इसका आपको बनाना है इंटेरोगेटिव लेकिन पास इंडेफिनिट में तो डू के प्लेस से क्या लगा दोगे डिड लगा देंगे तो सैनिस बन गया डिड आई गोदेड़ क्वेश्चन मार्क डिड आई गोदेड़ क्या मैं वहां गया डिड आई गोदेड़ क्या मैं वहां गया एंड ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट शी प्ले गेम्स क्या वो गेम्स खेलती है सेवेंथ तो भैया डू और तो पास में नहीं आते हमें डिड लगाना है तो डिड शी और डिड ही प्ले गेम्स बन गया आपका सिंपल डिड ही प्ले गेम्स क्वेश्चन मार्क सिंपल है एंड द लास्ट ऋतु डज नॉट लाइक रमेश ऋतु को रमेश पसंद नहीं है क्या बनाएंगे आप पास इन में जल्दी से मुझे आंसर बताइए ऋतु डज नॉट लाइक रमेश ऋतु डिड नॉट लाइक रमेश एंड फुल स्टाफ अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरे आठ के आठ सैने समझ में आए होंगे और मुझे बताएंगे कि यहां पे मेरे ऐसे कितने दोस्त हैं जिनके एट आउट ऑफ एट सही थे मुझे जल्दी से बताएंगे कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट एट आउट ऑफ एट ठीक है समझ में आना है चाहे आठ से सात सही थे छह सही थे पांच सही थे या एक सही था लेकिन समझना क्या है कि पास्ट इन डेफरेंट टेंस क्या होता है और कैसे करते हैं ये इनफ था आपके लिए क्लियर बड़े कैन वी मूव टू द नेक्स्ट वन नेक्स्ट बड़े मस्ती से भैया देखो मस्ती समझना है आराम से समझिए ठीक है हम पास्ट को समझ चुके हैं तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस इसका एक अगला भाई ये कुछ ज्यादा डार्क हो गया ये है दोस्तों पास्ट कंटिन्यूस ठीक है रूल वही है सबको सॉरी रूल चेंज है लेकिन वो वाला जो सेंटेंस थे हमने जो चार स्ट्रक्चर समझे थे वो सब एक ही है इसके ठीक है मैंने यहां दोबारा इसलिए लिखा है कि आपको एक दो बार ये रट जाए आपको एक दो बार ये याद हो जाए कि कैसे काम करता है पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब की आई फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट फिर नेगेटिव में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब के आई फॉर्म और ऑब्जेक्ट काफी लोग यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट वो मेन वर्ब लगाते हैं फिर नॉट लगाते हैं ना हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है मैं समझाऊंगा कैसे पहले आप समझें पास कंटिन्यूस होता क्या है पास मतलब बीता हुआ जो भी हमने समझा था पास्ट लेकिन कंटिन्यूस यहां पे जो उस समय चल रहा था जो बीत तो गया लेकिन उस समय चल रहा था जैसे मैं जा रहा था वे सो रहे थे रामू खाना खा रहा था पिताजी दौड़ रहे थे माँ बच्चों को पढ़ा रही थी बहन हमें आंखें दिखा रही थी अध्यापक हमारे साथ खेल रहे थे तो रहा था रही थी रहे थे पास्ट कंटिन्यूस में ये हिंदी में कहा जाता है इसमें रहा था रही थी रहे थे और पास एंड डेफिट में क्या था या ये। ठीक है लेकिन पास कंटिन्यूस में रहा था रही थी रहे थे तो भैया क्या बना सेंटेंस अब आप पास कंटिन्यूस को देखेंगे तो वॉज वेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एनजी वर्ब की देखिए वर्ब में जो आई एनजी लगती है ना वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगती है अब कोई समझे कि भैया सर फर्स्ट फॉर्म 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 में में सेकंड सेकंड नहीं लगा सकते अब जैसे समझो कि डू है तो डू की सेकंड फॉर्म क्या होगी डिड did. तो डिडिंग डिड did में आई एनजी नहीं लगेगी वो डू में लगेगी फर्स्ट फॉर्म में डूइंग डिडिंग कुछ नहीं होता इसीलिए कहा गया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी है तो कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कोई भी काम जो चल रहा है तो जो पास्ट में चल रहा था राइट right? तो कंटिन्यूस कोई भी सेंटेंस को कंटिन्यूअस वो हमेशा आई एनजी फॉर्म लेगा इस बात को आप अपने दिमाग में भर लें अपने अपने पल्लुओं से गांठ बांध लें कंटिन्यूअस हमेशा आई एनजी फॉर्म लेता है और पास्ट है तो वॉज वेयर अब इसमें समझना हमें ये बच्चों की वॉज जो होता है वो सिंगुलर होता है और वेयर जो होता है वो प्लूरल होता है जी हाँ एग्जैक्टली exactly. सिंगुलर और प्लूरल का बहुत बड़ा गेम है टेंस समझने के लिए आपको सिंगुलर प्लूरल आना चाहिए एक वचन और बहुवचन किसी एक की बात कर रहे हो तो लगेगा। एक से ज्यादा की बात कर रहे हो तो वेर लगेगा ठीक है इसको आप भी भी बोलते हैं, भी बोलते हैं, हैं। ठीक? और में पहले करता आता है सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब आती है फिर आई फॉर्म आती है फिर ऑब्जेक्ट आता है कैसे जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बच्चों यदि ये कहूं सेंटेंस में आ, मैं खाना बना रहा था मैं मतलब मुझे बनाना नहीं आता लेकिन चलो मैं एक बोल देता हूं बोलने में क्या जाता है मैं खाना बना रहा था तो क्या बनेगा सेंटेंस पहले सब्जेक्ट आई फिर हेल्पिंग वर्ब आई क्या होता है सिंगुलर या प्लूरल सिंगुलर तो वॉज अब बनाने की क्या होती है वर्ब कुक तो कुक में आई एनजी फॉर्म लग जाएगी कुकिंग

आया समझ में एक और सेंटेंस से ले लेते हैं हम इसका मैं आप कहूं। मैं आपसे आपसे वे वे भाग रहे थे। वे भाग रहे रहे थे थे तो वे की इंग्लिश क्या होगी वे की इंग्लिश होगी दोस्तों दे ठीक है अब दे के संख्या आएगी वर्ब आएगी पहले तो हेल्पिंग वर्ब दे प्लूरल है तो प्लूरल की वर्ब क्या होती है वर्ब. दे वर्ब. भागने की क्या होती है रन रन की कंटिन्यूस फॉर्म रनिंग तो देर रनिंग फुल स्टॉप दे वेयर रनिंग वे भाग रहे थे एंड दैट्स इट तो आपको समझ में आया I was cooking, मैं खाना बना रहा था they were running, वे भाग रहे थे ये कहलाता है दोस्तों example of past continuous, ठीक है अभी हम और भी समझेंगे interrogative कैसे बनेगा इसका और interrogative negative कैसे बनेगा लेकिन इतना clear हो गया ठीक है अब आ जाओ अब यहां पे हम लिख लेते हैं आपके लिए जिससे आप और अच्छे समझ पाएं हम बात कर रहे हैं दोस्तों पास पांच की जिसमें हम समझेंगे नंबर वन एक सेंस अलग अलग ले लेते हैं जैसे मैं आपसे कहूं शी वॉज बाइंग Fruits from फ्रॉम द मार्केट stop. ये हमने सैनस बना दिया दोस्तों तो मैंने क्या लिखा शी वॉज बाइंग फ्रूट फ्रॉम द मार्केट अब आपको समझना क्या है इसमें आपको समझना यह है कि हमने वही बनाया पास्ट में शी सब्जेक्ट वॉज संग वर्ब की आई फॉर्म वॉज बाइंग मतलब खरीद रही थी क्या खरीद रही थी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है फ्रूट और जो भी कचड़ा कवाड़ा बचा वो सब पीछे आ जाएगा कहां से खरीद रही थी मार्केट से खरीद रही थी फ्रॉम द मार्केट ठीक है अब आ जाओ नंबर सेकंड सेंस पे यदि सेकंड में आपसे कहूं वेयर राइटिंग का लेटर यू वेर राइटिंग लेटर तुम एक पत्र लिख रहे थे तो भाई एक छोटी सी बात है यू के संघ क्या आ गया यू के संघ वेयर आ गया वेयर के संघ आई एनजी आ गया और अ लेटर यह सिंगुलर का एग्जाम्पल हो गया ये प्लूरल का एग्जाम्पल हो गया आई बात समझ में लेकिन इन्हीं को यदि आपको नेगेटिव बदलना हो तो क्या करोगे शी वॉज नॉट बाइंग फ्रूट फ्रॉम द मार्केट आप नॉट लगा दोगे यहां पे और यहां लिख दोगे यू वेर नॉट राइटिंग अ लेटर ये इसके नेगेटिव बन गए नेगेटिव में आपको केवल हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देना है ठीक है अब आ जाओ नंबर थर्ड पे तो बच्चों नंबर थर्ड क्या कह रहा है नंबर थर्ड यदि मैं आपसे कहूं मान लो रजत अच्छा हम नेगेटिव हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं थोड़ा क्योंकि हम इंटेरोगेटिव ही बना पाएंगे अभी क्योंकि हमने पॉजिटिव देख लिया नेगेटिव देख लिया अब इंटेरोगेटिव तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब लिख आपने वॉज रजत स्लीपिंग क्वेश्चन मार्क क्या रजत सो रहा था तो वॉज रजत स्लीपिंग पहले वॉज आ गया उसके बाद रजत आ गया सब्जेक्ट और फिर वर्ब की आई एनजी फॉर्म वॉज रजत स्लीपिंग क्या रजत सो रहा था एंड दैट्स ऑल सिंपल है चलो नंबर फोर्थ आ जाओ नंबर फोर्थ दोस्तों यदि मैं इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाऊं तो तो नंबर फोर्थ में मैं बनाना चाहूंगा से वेयर दे नॉट स्टडिंग क्वेश्चन मार्क ये हो गया दोस्तों क्या बन गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव वेयर दे नॉट यहां जब आप इंटेरोगेटिव बनाते हैं ना तो इंटेरोगेटिव में आप हेल्पिंग वगे रखते हैं लेकिन जब उसी के संग आप नेगेटिव भी बनाते हैं तो नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद आता है ध्यान रखें वैसे सिंपल में नेगेटिव जब बनाते हैं आप के sentence, तो के संग आता है। लेकिन जब इंटेरोगेटिव में बनाते हैं तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ये चीज ध्यान रखेंगे सो वेयर दे नॉट स्टरिंग क्या वे नहीं पढ़ रहे थे आपसे डब्ल्यू एच फैमिली कहती है कि How से बनाते हैं हाउ वॉज आई मिसिंग हर क्वेश्चन मार्क मैं उसे कैसे मिस कर रहा था मतलब मैं उसे कैसे याद कर रहा था तो हाउ वॉज आई मिसिंग हर हाउ हाउ के बाद दोस्तों आ गया हेल्पिंग वर्ब वाज उसके बाद सब्जेक्ट आई और फिर मिसिंग तो हाउ वाज आई मिसिंग हर आना बहुत जरूरी है हेल्पिंग वर्ब के साथ क्योंकि past continuous की पहचान यही होती है तो हाउ वाज आई मिसिंग हर क्वेश्चन मार्क हो गया फाइव सर जी हाँ बताइए सर इसका भी नेगेटिव बनाना हो तो तो भैया बहुत सिंपल है हाउ वॉज आई नॉट क्योंकि सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाएंगे जैसे दे के बाद नॉट लगाया ऐसे आई के बाद तो हाउ वॉज आई नॉट मिसिंग हर आप ये नेगेटिव बना देंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव इट क्लियर ठीक है और क्वेश्चन मार्क लगाया तो आपको मालूम पड़ गया जितने भी क्वेश्चन मार्क के वर्ड होते हैं वो हमेशा इंटेरोगेटिव कहलाते हैं ठीक है आगे बढ़े चलो अब आ जाओ जल्दी से बच्चों एक्सरसाइज पे जल्दी से आप इसकी फोटो ले लो और जल्दी से कर लें वीडियो को पॉज करके वीडियो को पॉज करके इसे करना स्टार्ट करें ठीक है और आंसर मैच करेंगे मेरे साथ चलो देखें क्या सही है ही टॉक द लॉट आपको बताना है करेक्शन करना है कि क्या क्या सही हो जाएगा ठीक है तो नेगेटिव में देखेंगे हम लोग पहले सॉरी नेगेटिव में नहीं पास कंटिन्यूस कर रहे हैं ना पास कंटिन्यूस में देखेंगे तो सैनिस से है ही टॉक द लॉट तो आपको मालूम है कौन सा से सेंटेंस से? है अभी भी हमने सीखा था टॉक के सेकंड फॉर्म टॉक ये पास सेंडेफिनेट है हमें चेंज करना है पास कंटिन्यूस में तो ही टॉक द लॉट का हो जाएगा वॉज टॉकिंग अलॉट वो बहुत बातें कर रहा था तो ही वॉज टॉकिंग अलॉट ठीक है अब आ जाओ शी फिनिश हर होमवर्क ये तो सेंटेंस ही गलत है क्योंकि प्रेजेंट में फिनिशे होना चाहिए था यह गलत है लेकिन हमें कंटिन्यूस में चेंज करना है करेक्शन करना है तो शी फिनिश हर होमवर्क क्या हो जाएगा शी वॉज फिनिशिंग हर मवर्क वॉज फिनिशिंग हर होमवर्क वो अपना होमवर्क फिनिश कर रही थी ठीक है चलो अब नंबर थर्ड पर आ जाओ नंबर फर्स्ट हो गया सेकेंड हो गया थर्ड आ जाओ दे प्लेड विद मी वे मेरे साथ खेले दे प्लेड विद मी तो प्लेड है मतलब वर्ब के सेकेंड फॉर्म पास एंड डेफिनेट तो क्या बन जाएगा इसका कंटिन्यूस they were playing with me they were playing with me वे मेरे साथ खेल रहे थे ठीक है अब आ जाओ you have talked to him तुमने उससे बातें की क्या हो जाएगा इसका पास कंटिन्यूस दोस्तों सब बहुत सिंपल है हमें मालूम है यू यू हैव टॉक्ड तो पास कंटिन्यूस में have तो आता नहीं है नहीं, talk आता है तो तो आती है के साथ यूर टॉकिंग टू हिम आ रहा है समझ में इतना सबको अच्छे से मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है ये क्लास कितने मायनों में आपके लिए बहुत फायदेमंद थी ये आपको कितनी अच्छी लगी दोस्तों मुझे इस सारे फीडबैक आप प्लीज जरूर दें ठीक है जिससे कि मैं आपके नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से हर एक चैप्टर को क्लियर कर सकूं नेक्स्ट था शी डज नॉट लाइक मी वो मुझे पसंद नहीं करती है तो क्या हो जाएगा शी वॉज नॉट ंग वॉस के संघ आई एनजी लगा दिया ऐसे ही एम आई गोइंग देयर यह हो गया दोस्तों क्या एम आई गोइंग देयर इंटरोगेटिव क्वेश्चन हम इसका कैसे बनाएंगे एम आई गोइंग देयर का इंटारोगेटिव बन जाएगा वॉज आई गोइंग देयर क्वेश्चन मार्क वॉज आई गोइंग देअ क्या मैं वहां जा रहा था सेंटेंस सिंपल सेम यहां जाओ डज ही प्ले गेम्स क्या वो गेम्स खेलता है तो हम इसको इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे वॉज ही प्लेइंग गेम्स एंड क्वेश्चन मार्क क्या वो गेम खेल रहा था तो सब में रहाता रही थी आएगा ना इसीलिए ऐसे आ जाओ नंबर एट में रितु डिड नॉट रिसीव कॉल्स रितु ने कॉल रिसीव नहीं की पास एंड डेफिनेट टेंस दे रखा है इसने हमें बनाना है कंटिन्यूस तो रितु वाज नॉट रिसीविंग कॉल्स कॉल्स है ना hmm. रितु कॉल रिसीव नहीं कर रही थी तो रितु was नॉट रिसीविंग कॉल्स मुझे जल्दी से बताएंगे कि कितने लोगों के कितने स्टूडेंट्स के माइक चिप मार्क्स कितनों के सारे सही थे सो so, प्लीज इसको जल्दी से करें और इसको चेक करें और मुझे बताएं दर हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटैम्प्टेड ऑल दैम राइट और मेरी आशा है कि सबने सही अटैंप्ट किए होंगे क्योंकि एवरीबडी नोज दैम नाउ सब जानते हैं इसके बारे में ठीक है दोस्तों ये कहानी थी पास्ट कंटिन्यूस की जो आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी चलो यदि यह क्लियर है तो आ जाओ आप जल्दी से पास्ट परफेक्ट पे दोस्तों पास्ट परफेक्ट क्या बवाल है भाई सेम रूल है लेकिन कुछ रूल जो मैं आपको बताऊंगा वो आप ध्यान से करें बाकी आप अपने आप कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हो गया सर इतने सारे पास्ट जी हां डेफिनेट था जो हाल फिलहाल में अभी बीता है पास कंटिन्यूस में जो चल रहा था पास्ट परफेक्ट का मतलब हो गया जो काफी समय पहले हो चुका था कोई भी काम जो बहुत समय पहले हो गया उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट ठीक है जैसे हिंदी में इसकी पहचान होती है चुका था चुकी थी चुका था चुकी थी लेकिन केवल यही इसकी पहचान नहीं होती ये ध्यान रखेंगे आप केवल यह कहें कि चुका था चुकी थी इसकी पहचान होती है तो यह कहना गलत है क्यों क्योंकि इसमें हम लोग याथा यी थी भी लेते हैं याथा या ये या थी जैसे मैं अपना काम कर चुका था या फिर आप यूं कहें कि मैंने अपना काम कर लिया था वो जा चुकी थी या वो चली गई थी तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि यह डोगमा बना लिया है लोगों ने कि नहीं जहां चुकाता चुकी थी लगेगा वही पास परफेक्ट कहलाएगा नहीं पास परफेक्ट में या था ये थी भी लगता है तो ये है आपका सेंटेंस पास परफेक्ट का ठीक है अब इसकी पहचान क्या होती है हैड के साथ जहां वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए ये सबसे इंपॉर्टेंट है पास परफेक्ट का मतलब ये हो गया कि जहां आपको हैड दिख जाए और हैड के संग बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए वो कहलाता है पास्ट परफेक्ट टेंस राइट right? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है कोई और फॉर्म नहीं लगती ठीक है अब देखो एग्जाम्पल जैसे रूल दे रखा है इसने तो रूल में क्या है पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट जो कि अभी तक सब में होता हुआ है सारे रूल सब में रिपीटेड हैं सब रूल सेम होते हैं आप किसी भी एक के रूल पढ़ लीजिए सारे रूल आपको सेम मिलेंगे ठीक है तो आप हम एग्जाम्पल करते हैं डायरेक्ट एग्जाम्पल में दोस्तों जैसे मैंने आपसे कहा पास परफेक्ट में मैंने आपको एक हिंदी में सेंटेंस बोलूं मैं आपसे कहूं यदि कि मैं खेल चुका था मैं खेल चुका था तो कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को तो हम कह सकते हैं आई हैड प्लेड सिंपल है, है? सबको क्लियर हुआ क्या हम कह सकते हैं आई हैड प्लेड हैड के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म जी हाँ बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि हैड के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ये दिखाती है कि मैं खेल चुका था इसी तरह एक और सेंटेंस बनाऊं मैं मैं आपसे कहूं यू हैड गॉन तुम जा चुके थे तो यू के संग हैड और हैड के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म अच्छा इसमें पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें कोई वर्ब याद ही नहीं करनी आपको चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो सबके संग हेड आना है जी हाँ सबके साथ जैसे हम पास कंटिन्यूस में क्या कर रहे थे वॉज सिंगुलर होता है वे प्लुरल होता है इसमें ऐसा नहीं है इसमें हेड जो है वो सबके साथ आएगा चाहे आप सिंगुलर हो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो राम श्याम सीता हो और या फिर सब्जेक्ट हमारा प्लुरल हो यू वी दे हो तो ये हमेशा

दोस्तों पास परफेक्ट में जैसा कि मैंने आपसे कहा चुका था चुकी थी चुके थे यहां समझने के लिए एक चीज समझ लिया आप एग्जाम्पल जो हमने किया कोई सब एग्जाम्पल लेते हैं आप अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है शी हैड watched टेलीविजन ठीक है कर सकते हैं हम लोग ये शीड वॉस टेलीविजन एक सैन एस हो गया पास्ट परफेक्ट का हैड के संघ वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक है फिर मैं कहूं आपसे दे हैड स्पेंट क्वालिटी टाइम With him. तो हैड के संग हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई ये फॉर्म ध्यान रखिए आप स्पेंट ठीक है सो so, तो हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी थी तो दे हैड स्पेंट क्वालिटी टाइम विद हिम तो उन्होंने उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताया तो हैड के संग स्पेंट आ गया नंबर थर्ड You had not, you had not listened to him. तो so you had not listened to him, had not के संघ वर्ब की थर्ड फॉर्म had not के संघ जब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो सेंटेंस बन गया You had not लिसन to him. तो so had आ गया और listened आ गया नंबर नेक्स्ट देखते हैं नंबर फोर क्वेश्चन बनाते हैं आप हैड आई हैड आई वॉट हैड आई गॉन टू द पार्टी क्या मैं पार्टी में गया था हेड आई गॉन टू द पार्टी क्या मैं पार्टी में गया था ड आई गॉन टू द पार्टी नेक्स्ट एंड लास्ट नंबर फिफ्थ बनाते हैं इसी का नेगेटिव आप बना सकते हैं हेड आई नॉट गॉन जैसे आपने यू हैड नॉट लगाया ऐसी हेड आई नॉट गॉन टू द पार्टी ये इसका नेगेटिव बन जाएगा आप डब्ल्यू एच फैमिली से वाई हेड शी

तो मैं आशा करूं कि आपको ये पांचों सेनेंस समझ में आए होंगे बहुत अच्छे से यदि आए हैं तो जल्दी से करिए एक्सरसाइज करेक्शन कौन इस करेक्शन को करें जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें या तो या तो आप इसका स्क्रीन ले लें और या फिर आप तुरंत तुरंत करते चले जाएं वीडियो को पॉज करें और करें चलिए मैं आपको तो इसका आंसर बता देता हूं जल्दी से इसको देखेंगे मेरे साथ कि इसके सही आंसर क्या होने चाहिए नंबर वन दोस्तों ही गिव मी अ पेन हम कर रहे हैं क्या पास्ट परफेक्ट तो जब हम पास्ट परफेक्ट कर रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जैसे कि हमने किया हैड के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में हमें क्या लगाना है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है तो अब यदि मैं आपसे कहूं कि ही गिव मी अ पेन तो इसका सेंटस क्या हो जाएगा ही हैड वन मी अ पैन ठीक है ऐसे ही सेकेंड आ जाओ सेकेंड ने कहा वी लर्न आर लेसन तो क्या बनेगा पास परफेक्ट वी हैड लर्न आर लेसन ठीक है नंबर थर्ड आ जाओ नंबर थर्ड ने कहा दे प्लेड विद मी तो क्या बनेगा भाई दे हैड प्लेड विद मी सिंपल नंबर फोर्थ यू लिव इन दिस हाउस पास परफेक्ट बनाएंगे यू हैड लिव इन दिस हाउस पुलिस स्टाफ सब में हैड के संग थर्ड फॉर्म बस यही एक पहचान आपको याद रखनी है ठीक है नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है What इज दैट वाई डिड इट हैपन ओके फाइन नो 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 दे इज समथिंग रॉन्ग ओके फाइन दोस्तों ठीक है फर्स्ट कंप्लीट ओके फाइन चलिए फर्स्ट कंप्लीट सेकंड थर्ड फोर्थ हमारा कंप्लीट फिफ्थ आ जाइए शी डज नॉट लाइक मी तो क्या बनेगा इसका पता नहीं क्यों पसंद नहीं करती यार पसंद तो करना चाहिए इतने बुरे थोड़े ना है शी हैड नॉट लाइक्ड मी इतने तो मलूक हैं तो शी हैड नॉट लाइक्ड मी ठीक है हैड के संग थर्ड फॉर्म ऐसे ही एम आई गोइंग देयर क्या बनेगा हैड आई गोन देयर क्वेश्चन मार्क हैड के संग थर्ड फॉर्म नंबर सेवन विल बॉयज नॉट प्ले हॉकी तो क्या बनाओगे हेड बॉयज नॉट प्लेड हॉकी क्वेश्चन मार्क ठीक है एंड द लास्ट रितु हैज नॉट यूज्ड हर सेल फोन इसका तो सिंपल है कुछ मत करो हैज के प्लेस पे बस हैड लगा दो स्ट्रक्चर पूरा वही रहेगा रितु हैड नॉट यूज हर सेल फोन ठीक हैड है नॉट यूज हर सेल फोन सेंटेंस बन गया फुल स्टॉप एम आई क्लियर सबको क्लियर हुआ इज एनी डाउट कोई भी व्यक्ति ऐसा यहां पे जिसको कोई क्वेश्चन हो कोई डाउट हो सबको क्लियर था ना चलो यदि क्लियर है तो जल्दी से आ जाओ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पे दोस्तों अभी हमने समझा था पास्ट परफेक्ट तक अब पास परफेक्ट कंटिन्यूस यहां पे रूल्स ज्यादा नहीं लिखे गए हैं क्योंकि बाकी सारे रूल्स मैंने आपको पहले चार आ, रूल्स में समझा दिए तो अब आप आसानी से इसको उसके संग फॉलो कर सकते हैं बस मेन रूल आपको ध्यान रखना है जो हम यहां थी। तो समझेंगे पहले परफेक्ट कंटिन्यूस और मुझे बताएंगे कि पिछले सेंटेंस में कितने सही निकले राइट right? जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है मैं फिर आपसे कह रहा हूं आप जितना मुझे बताएंगे मैं उतना ज्यादा आप पे वर्क कर पाऊंगा इसलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स को तो भर दो कि सर हाँ, ये 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 है है मैं हर एक पे रिप्लाई करूंगा ठीक है यही मेरा कर्म है ध्यान रखेंगे तो पास परफेक्ट कंटिन्यूस क्या कहता है पहले तो पास परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब हो गया हिंदी में आप इसे कहते हैं रहा था रही थी अब यहां पे कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है सर कमाल करते हैं पास्ट कंटिन्यूस में भी रहता रही थी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी रहता रही थी तो भैया क्या करें कहां से याद करें अरे अरे थम तो जाइए थमिए सिंपल है पास्ट कंटिन्यूस में रहता रही थी था लेकिन में रहा था रही के साथ समय आता है जहां समय नहीं दे रखा टाइम नहीं दे रखा वो पास्ट कंटिन्यूस है और जहां समय दे रखा है, जहां दे रखा है, वो है। मैं कैसे, तो पास परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान होती है रहा था, समय के साथ इसको इंग्लिश में कैसे जानेंगे बीन प्लस वर्ब की आई एनजी प्लस और फॉर प्लस टाइम ये चीज इंपॉर्टेंट है तो मैंने क्या कहा आपसे कहाड बीट करता है तो हमने था, had, इसलिए had आ गया. और टाइम के लिए बीन तो हैड बीन प्लस वर्क के आई एनजी फॉर्म अब यह क्या बवाल है टाइम के लिए आते हैं टाइम को दिखाने के लिए सिंस होता है एक परफेक्ट पीरियड एक परफेक्ट टाइम के लिए फेक्ट टाइम का मतलब क्या हो गया जो नैनो नैनो टाइम होते है ना बिल्कुल सटीक टाइम जिन्हें आप कहते हैं उन्हें आप कहते हैं सिंस के लिए। तो आप इसे लिख सकते हैं सर्टेन टाइम सर्टेन टाइम के लिए जबकि फोर होता है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया लंबा समय आठ घंटे से दो साल से छत्तीस महीनों से पता नहीं कितने कितने इसमें महीने हैं कितने कितने साल हैं ये होता है फॉर पीरियड ऑफ टाइम और ये होता है सर्टेन टाइम जिसे आप पॉइंट भी कह सकते हैं जनवरी से अठारह सौ सतानवे दो हजार चौबीस से तो यह क्या हो गया जून से फिफ्थ से, से. तो हो गया तो यह हो, हो गया दोस्तों एक परफेक्ट टाइम तो परफेक्ट टाइम का मतलब वहां सिंस यूज होगा एक बहुत बड़ा टाइम दे रखा हो जिसमें हमें मालूम नहीं है कि कौन सा टाइम फॉर यूज होगा और बाद में टाइम तो लगेगा लगेगा बताऊंगा कैसे ठीक है रूल क्या है इसका रूल सिंपल सा है पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब में वर्ब के संग फिर सिंस फॉर और टाइम में समझिए यदि मैं, समझ मैं आपसे कहूं रमेश दो घंटे से आम खा रहा था पास्ट है तो रहा था रही थी और कितने घंटे से दो घंटे से तो कौन से दो घंटे हम मालूम है नहीं मालूम ना तो ये कहलाएगा पीरियड ऑफ टाइम तो यहां पे फॉर लगना चाहिए आप देखेंगे रमेश दो घंटे से आम खा रहा था तो रमेश खा रहा था रमेश हैड बीन ईटिंग यहां मत वॉज दीजिएगा। वॉज क्यों नहीं आएगा क्योंकि तो यहां पे टाइम है ये है। टाइम नहीं दे रखा होता तो वॉज आता रमेश हैड बीन ईटिंग क्या खा रहा था आम तो रमेश हैड बीन ईटिंग मैंगोज कब से खा रहा था दो घंटों से फॉर टू आवर्स एंड सेट रमेशन ईटिंग मैंगोस फॉर टू आवर्स यह हमारा सनेस हो गया रमेश दो घंटे से आम खा रहा था रमेश हैडबीन ईटिंग मैंगोज फॉर टू आवर्स ठीक है तो रमेश के संग आपने क्या लगाया है, बच्चों हैडबीन उसके बाद वर्क की आई एनजी फॉर ईटिंग मैंगोव फॉर टू आवर्स एंड दैट्स इट अब आ जाओ नंबर सेकंड पे एक और यदि हम सेंटेंस कर रहे हैं इसका नेगेटिव तो कैसे करेंगे रेड दिख रहा है ना आपको दिख रहा है मैं आपसे कहूं मैं मैं सेंटेंस बोलूं ये आपसे कि मैं आ, तीन बजे से नहीं पढ़ रहा था नेगेटिव बनाते हैं मैं तीन बजे से नहीं पढ़ रहा था तो आई ये रेड कलर दिख रहा है ना हाँ ठीक है आई हैड नॉट बीन स्टरिंग तीन बजे से आई हैड नॉट बीन स्टरिंग सिंस थ्री ओ क्लॉक इज इट क्लियर आई हैड नॉट बीन स्टरिंग सिंस थ्री ओ क्लॉक मैं हैड नॉट बीन स्टनिंग नहीं पड़ रहा था कब से तीन बजे से सेंस और फॉर उसके बाद टाइम ऐसे आ जाओ नंबर नेक्स्ट पे नंबर थर्ड यदि मैं आपसे कहूं क्या बच्चे चार बजे से खेल रहे थे तो क्या बच्चे खेल रहे थे हैड चिल्ड्रन बीन प्लेइंग चार बजे से सिंस फोर ओ क्लॉक और क्वेश्चन मार्क क्योंकि क्वेश्चन है ये तो हैड चिल्ड्रन बीन प्लेइंग हैड लग गया आगे फिर चिल्ड्रन के बाद बीन के संग आय जी सिंस फोर ओ क्लॉक तो हैड चिल्ड्रन बीन प्लेइंग सिंस फोर ओ क्लॉक क्या बच्चे चार बजे से खेल रहे थे ठीक है अब आ जाइए नंबर फोर पे इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा हैड चिल्ड्रन नॉट बीन यदि आप नेगेटिव बनाना चाहें तो यही नॉट लगा सकते हैं आप डब्ल्यू फैमिली से बनाएंगे हम तो डब्ल्यू फैमिली से हम बना सकते हैं जैसे मैं आपसे कहूं मां दो घंटे से कहां पूजा कर रही थी मम्मी दो घंटे से कहां पूजा कर रही थी तो वेयर हैड सब्जेक्ट हैड के बाद आएगा मदर बीन प्रेइंग या वर्शिपिंग कुछ भी लगा सकते हैं सो वेयर हैड मदर बीन प्रेइंग फॉर टू आवर्स दो घंटे हमें क्या मालूम कौन से दो घंटे ये पीरियड ऑफ टाइम है फॉर टू आवर्स क्वेश्चन मार्क इज ए क्लियर बच्चों वेयर हैड मदर बीन प्रेइंग टू आर्स माँ दो घंटे से कहाँ पूजा कर रही थी मैं आशा करता हूं कि आपको प्रॉपर समझ में आया होगा सारा का सारा कि हम कैसे इनको बनाते हैं यदि समझ में आया तो जल्दी से एक बार मुझे कंफर्म कर दें और आप करेंगे ये एक्सरसाइज करेक्शन चार रखें केवल केवल जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और बताएं क्या सही होना चाहिए आ जाओ मैं बताना चालू करता हूं अब मैच कर लोगे आप सभी से कहा कि ही गेव मी अ पैन फॉर टू आवर्स ही गेव मी अ पैन फॉर टू आवर्स टाइम दे रखा है और गेव लगा रहे हो कमाल करते हो मिया कैसे हो जाएगा तो केवल करेक्शन करेंगे ही गेव मी के प्लेस पे होना चाहिए ही हैड बीन गिविंग मी क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस है तो had been giving me a pen for two hours केवल वर्ब चेंज करनी है बाकी सब सिंपल और सही है he had been giving me a pen for two hours वो दो घंटे से मुझे पेन दे रहा था सेकंड we learnt our lesson since Monday हम सुबह से मतलब सुबह से नहीं मंडे से अपना पाठ याद कर रहे थे ये होना चाहिए तो यहां पे learnt नहीं आना चाहिए यहां पे होना चाहिए we had been learning निंग आर लेसन सिंस मंडे ठीक है ऐसे यहां पे दे रखा है सुबह से सिंस मॉर्निंग लेकिन यहां दे रखा है प्लेड तो प्लेड नहीं आना चाहिए दे हैड सॉरी गाइस दे हैड बीन प्लेइंग हैड बीन किसन वर्ब की आईएनजी फॉर्म दे हैड बीन प्लेइंग विद मी सिंस मॉर्निंग वे सुबह से मेरे साथ खेल रही थे ठीक है अच्छा इसमें नेगेटिव सेंटेंस कोई नहीं है हम बना सकते हैं नेगेटिव भी दे हैड नॉट बीन प्लेइंग वी हैड नॉट बीन लर्निंग ही हैड नॉट बीन गिविंग मी अ पेन फॉर टू डेज लास्ट ने कहा यू लिव्ड इन दिस हाउस फॉर टेन इयर्स तुम दस साल से इस घर में रह रहे थे तो यू हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर टेन इयर्स ये दोस्तों हो गए इन सेंटेंसेस के करेक्शन मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये बहुत अच्छे समझ में आए होंगे ठीक है इसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए पास कंटिन्यूस का मतलब होता है बीन प्लस वर्ब की फॉर्म और वर्ब के आई फॉर्म के बाद और फॉर फॉर लगता है अनिश्चितता को दिखा के जब कोई दिन अनिश्चित हो पीरियड ऑफ टाइम दे रखा हो और बच्चों सिंस का यूज करते हैं निश्चित टाइम को दिखाने के लिए मतलब पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए ठीक है चल अब आ जाइए जल्दी से प्रेजेंट इंडेफिनिट पे जो कि बहुत ही खूबसूरत टेंस है अपने आप में पास्ट हमारा क्लियर हुआ अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों प्रेजेंट को ठीक है मैं आशा करता हूं कि आप सबको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ठीक है प्रेजेंट इंडेफिनिट दोस्तों पहले आप हिंदी में समझ लीजिए हिंदी में हम इसको कहते हैं ता है, है बचपन से पढ़ते हुए आए हैं जिन वाक्यों के अंत में ता है, है तेहे है, आता है ऐसे वाक्यों को कहते हैं प्रेजेंट एंडेफिनेट मैं जाता हूं वे सोते हैं और वह भागता है वे आते हैं सुशीला गाना गाती है तो ऐसे सैनिश कहलाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है जो कि क्या है ताहे तिहे तिहे को डिनोट करते हैं अब आ जाइए इनकी पहचान क्या होती है वर्ब में एस ई एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां वर्ब में एस ई एस फॉर्म uh, आ जाए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे वो कहलाता है प्रेजेंट कह या तो वर्ब में एस और एसोरियस आ जाए तो मतलब प्रेजेंट है वर्ब में एस और एंडसोरियस कहां आती है जहां हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ये ध्यान रखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के संग वर्ब में एस और येस, और प्लूरल के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं ठीक है ठीके? और यदि सैनिश हमारा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है तो डू do और डस और और डू डस के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू प्लूरल के संग आता है और डज सिंगुलर के साथ आता है मैं आपको अभी खुल के बताऊंगा ये अभी आप समझ लें शॉर्ट में ठीक है so, सो प्रेजेंट एंड एफरेट में दो चीज समझी हमने पहला तहती है, ती है। दूसरा कि वर्ब की एस और एसोरियस फॉर्म आती है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की एस और एसोरियस फॉर्म आती है सिंगुलर के साथ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लुरल के साथ सेंटेंस को यदि आप नेगेटिव और इंटारोगेटिव में बदलते हैं तो डू और डज और उनके संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है डू होता है जो कि प्लुरल के संग आता है और डज जो है वो सिंगुलर के संग आता है ठीक है रूल इसका सिंपल है जैसे हम और रूल करते हुए आए थे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट फिर वर्ब की एस और रियस फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट और ऐसा ही उसने प्लूरल के है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ठीक है एग्जाम्पल से समझेंगे जैसे मैं आपसे कहूं मैंने आपसे कहा कि वह खाता है तो वह खाता है इसमें वह की होगी ही और खाने की होगी बच्चों ईट लेकिन चूंकि ही सिंगुलर है तो ईट्स आ जाएगा ही ईट्स दस सिंपो क्योंकि सिंगुलर के साथ वर्ब की एसोरियस yes, फॉर्म जैसा कि दे रखा है ठीक है सिंगुलर के साथ वर्ब के एसोरियस yes, फॉर्म तो ही ईट्स इसी का आप बच्चों नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे ही सिंगुलर के संग डज लगता है तो नेगेटिव में डज नॉट और ईट ही डज नॉट ईट वो नहीं खाता है अब इसी का आप इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव में डज लगाएंगे सिंपल ही ईट क्वेश्चन मार्क पहले डज आ गया फिर सब्जेक्ट और फिर उसकी वर्ब डज ही ईट क्या वह खाता है सेंटेंस बन गया ठीक है तो फिर से देख लें सिंपल बना ही ईट्स नेगेटिव बना ही डज नॉट ईट और इंटरोगेटिव बना डज ही ईट ठीक अच्छा इसी को आप प्लूरल के फॉर्म में बना सकते हैं तो प्लूरल में आप कैसे बनाएंगे जैसे मैं आपसे कहूं आई प्ले आई प्लूरल होता है ध्यान रखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई बच्चों हमेशा प्लूरल होता है ठीक है तो आई प्ले सेकेंड बना नेगेटिव में तो नेगेटिव में हम क्या यूज करते हैं डू प्लूरल के साथ आई डू नॉट प्ले और इसी का दोस्तों इंटेरोगेटिव जब हम बनाएंगे तो इसी डू को आगे लगा देंगे डू आई प्ले क्या मैं खेलता हूं सिंपल फिर से देखेंगे आई प्ले आई डू नॉट प्ले डू आई प्ले ये क्या बन गया आपका सेंटेंस प्लूरल का अच्छा डब्ल्यूज फैमिली बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे डब्ल्यूज फैमिली सिंपल है इसको भी देख लेते हैं एक बार जैसे मैं आपसे कहूं डब्ल्यू एच फैमिली नंबर वन की ही ईट्स वह खाता है तो इसकी डब्ल्यू एच फैमिली क्या बनेगी हाउ हाउ जो होता है वो डब्ल्यू एच फैमिली में ही आता है ठीक है ही है तो मतलब डज आएगा सिंगुलर हाउ डज ही ईट क्वेश्चन मार्क वह कैसे खाता है हाउ डज ही ईट वह कैसे खाता है और इसी का यदि आप प्लूरल बनाएंगे जैसे आई प्ले का तो मैं कह सकता हूं वाई आई प्लूरल था तो डू आ गया क्योंकि डू आता है सिंग प्लूरल के लिए और आता है सिंगुलर के लिए वाई डू आई प्ले क्वेश्चन मार्क तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हम कैसे प्रेजेंट इंडाफिनेट को बनाते हैं ठीक है और ये क्लियर है तो अब आ जाइए यो, आपकी वर्कशीट गाइस तैयार है आपके लिए कमान जल्दी से करें इस वर्कशीट को या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर साथ ही साथ कर लें इसको और या फिर वीडियो को पॉज कर लें चलिए तो मैं बताना चालू करता हूं नंबर वन ने कहा ही, मी अ पेन इसका क्या बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट? तो ही मी का सिंपल सा दोस्तों केवल गिव्स कर दो और सेंटेंस करेक्ट हो गया ही गिव्स मी अ पेन वो मुझे पेन देता है तो जब आपने कहा ही गिव्स मी अ पेन तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो मुझे पेन देता है तो वो मुझे पेन देता है ही गिव्स मी अ पेन ठीक है संग एस और ईएस सेकंड वी लर्नड आवर लेसन हम अपना पाठ याद करते हैं उसके लिए लर्नड नहीं लगेगा लर्न लगेगा वी लर्न आवर लेसन वी प्लुरल है तो लर्न दे प्लेड विद मी वे मेरे संग खेले तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम सिंपल वी के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे दे प्ले विद मी दे प्ले विद मी फोर्थ ने कहा यू लिव इन दिस हाउस तुम इस घर में प्रेजेंट इन यू है, तो नंबर फिफ्थ ने कहा शी नॉट लाइक मी उसने मुझे पसंद नहीं किया अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा शी नॉट और डज नॉट संग लाइक like. क्योंकि शी सिंगुलर है तो शी does नॉट लाइक मी वो मुझे पसंद नहीं करती है ठीक है नंबर सिक्स ने कहा एम आई गोइंग there? क्या मैं वहां जा रहा हूं इसका आपको बनाना क्वेश्चन प्रेजेंट एंड एम आई तो कंटिन्यूस बन तो, गया हम बनाएंगे डू आई गो there? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम डू और का यूज करते हैं और आई के संग डू लगता है ठीक है चलो विल बॉयज नॉट प्ले हॉकी तो विल भी हटेगा और नॉट तो लगा रहेगा तो आप यहां पे विल के प्लेस पे लगा सकते हैं डू बॉयज और ये आपका सिंपल सा बन गया केवल डू लगा दो डू बॉयज नॉट प्ले हॉकी प्रेजेंट डेफिनेट क्या आ, लड़के हॉकी नहीं खेलते हैं तो डू बॉयज नॉट प्ले हॉकी नेक्स्ट रितु हैज नॉट यूज हर सेल फोन यहां पर हैज नॉट यूज नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट है तो आएगा क्या रितु डज नॉट और यूज्ड का सिंपल फॉर्म यूज रितु नॉट यूज हर एंड दैट बच्चों आया समझ में सबको क्लियर हुई सारी बातें और देर इज साम हु हैज एनी डाउट इफ देयर इज सो प्लीज लेट मी नो और आई होप की ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी आपको सबको ना चलो यदि क्लियर हो गई तो ये था प्रेजेंट इन डेफिनेट आ जाओ प्रेजेंट कंटिन्यूस पे करें सभी लोग तैयार चलो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस समझने के लिए हमें क्या समझना है पहले इसकी हिंदी में पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूस का दोस्तों मतलब हो जाता है कि कोई भी सेंटेंस जो कि रहा है रही है, रही है पर टिका हुआ हिंदी में रहा है रही है या रहे हैं मैं जा रहा हूं वे पढ़ रहे हैं वह पढ़ा रही है माँ खाना बना रही हैं रिश्तेदार घर पे आ रहे हैं तो ये हो जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ठीक है अब इसमें पहचान क्या होती है इंग्लिश में इज एम आर प्लस वर्ब की आई एन जी फॉर्म बहुत सबसे ज्यादा यदि संसार में कोई सिंपल सेंटेंस है तो बच्चों वो ये है इज एम आर के संग वर्ब की आई एन जी फॉर्म लगा दो इज सिंगुलर होता है एम आई के संग लगता है और आर प्लूरल होता है

रहा है रहिए है, रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैं आपसे कहूं कि हम दौड़ रहे हैं तो हम की इंग्लिश क्या होगी जल्दी बताओ मुझे वी वी के संग क्या आएगा इज़ या एम कमाल करते हैं प्रभु वी आर क्योंकि वी है और दौड़ने की रन रन की आई फॉर्म रनिंग वी आर रनिंग हम दौड़ रहे हैं सिंपल ऐसे आ जाओ सेकंड पे सेकेंड आपसे कहा मैं आपसे नेगेटिव में आ, अध्यापक हमें नहीं पढ़ा रहे हैं अध्यापक हमें नहीं पढ़ा रहे हैं तो अध्यापक की क्या होगी टीचर्स टीचर्स प्लूरल है आर नॉट टीचिंग न को नहीं पढ़ा रहे है? हमें अस टीचर्स आर नॉट टीचिंग अस तो आर नॉट के साथ वर्ब की आई एनजी फॉर्म टीचर्स आर नॉट टीचिंग अस एंड दैट्स इट ठीक है नंबर थर्ड नंबर थर्ड यदि मैं आपसे कहूं टिव में क्या वे कूद रहे हैं तो क्या वे कूद रहे हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा वे के लिए दे लगा दिया आपने लेकिन क्या की इंग्लिश आगे आएगी तो दे के लिए हम हेल्पिंग क्या यूज करेंगे आर इज़ और एम तो यूज नहीं करेंगे ना आर दे कूदने की जंपिंग आर दे जंपिंग क्या वे कूद रहे हैं नंबर फोर नंबर फोर में आपसे मैं कहूं वह तो क्यों नाच रहे हैं वह क्यों ना वह क्यों नाच रही है रही कर दो शी नहीं आया तो क्यों की इंग्लिश क्या होगी वाय इज शी हमने इस क्यों लगाया क्योंकि शी है शी के संगेज आ गया वाई इज शी डांसिंग एंड दैट इज क्वेश्चन मार्क ठीक है नेगेटिव बनाओगे तो क्या बनेगा वाई इज शी नॉट डांसिंग इसके पहले वाला नेगेटिव बनाओगे आर दे नॉट जंपिंग दिस इज ऑल क्लियर हुआ ये थे दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे इज एम आर प्लस वर्ब की आई एनजी फॉर्म अब आ जाओ जल्दी से एग्जाम्पल पर कमान एवरी बार ये आपकी वर्कशीट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप वीडियो को पॉज कर लें और जल्दी से करें कमान मैं कराता हूं आपको इसके एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल इन द सेंस करेक्शन क्या होंगे तो करेक्शन करेंगे आइए जल्दी से नंबर वन ने कहा गेव मी अ पेन तो जब सैनिस ने कहा गेव मी और प्रेजेंट कंटिन्यूस हम कर रहे हैं तो हम प्रेजेंटिन्यूस कर रहे थे ना हाँ तो गेव पेन का क्या हो जाएगा? गेव हट जाएगा और ये हो जाएगा? He is giving me a pen. Is giving लग जाएगा, 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 तो हट और ये लग प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर प्लस आई एन लगता है तो ही इज गिविंग मी अर्न आर लेसन हमने अपना पार्ट याद किया तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या करेक्शन हो जाएगा वी आर लर्निंग वी आर लर्निंग आर लेसन आर किसंग आयन जी ऐसे आ जाइए दे प्लेड विद मी वे मेरे साथ खेले तो सैनिस क्या बनेगा दे आर प्लेइंग विद मी वे मेरे साथ खेल रहे हैं आर किसंग आयन जी ठीक है नंबर नेक्स्ट आ जाओ यू लिव इन दिस हाउस तुम इस घर में रहे तो क्या बनेगा ये सब प्लूरल ही प्लूरल है वी प्लूरल दे प्लूरल ससोरा यू बी प्लूरल यू आर लिविंग यू आर लिविंग इन दिस हाउस शी डिड नॉट लाइक मी उसने मुझे पसंद नहीं किया तो भैया क्या बनेगा इसका शी इज नॉट और इज नॉट के संग लाइक के आईडेंटी फॉर्म लाइकिंग बाकी सैनस आप कर ही सकते हैं आ रहा है ना समझ में सबको सिंपल है कोई रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों राइट इनाम डिका डा चिंकूं रिंकू सबको क्लियर है चलो वॉज आई गोइंग देयर क्या मैं जा रहा था अरे भैया पास्ट में क्यों बना दिया इस वॉज के प्लेस पे आप केवल लगाएंगे एम आई गोइंग देयर एम लग जाएगा सैनस सही हो गया विल बॉयज नॉट प्ले हॉकी अब भैया प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो विल कैसे लग गया और फिर आई एनजी क्यों लगाया आपने प्लेइंग में तो सेंटेंस बन जाएगा boys not, क्योंकि नेगेटिव है playing. ये करेक्शन हो जाएगा और हॉकी का हॉकी आ ही जाएगा तो आर बॉयज नॉट प्लेइंग हॉकी क्या बच्चे हॉकी नहीं खेल रहे हैं ठीक है रितु हैज नॉट यूज हर सेल्फोन हैज नॉट कहां से आ जाएगा और यूज कहां से आ जाएगा भाई प्रेजेंट कंटिन्यूस uh, है तो रितु इज नॉट यहीं पे सही कर देते हैं हम लोग यूजिंग हर सेल फोन अंदाज से टेंट मैं आशा करता हूं कि आप सबको क्लियर हुआ होगा और सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा देर इज नो मोर डाउट इन एनीबडीज माइंड यदि बच्चों क्लियर है तो जल्दी से मुझे बताओ और बताओ साथ ही साथ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कितने मार्क्स आए आउट ऑफ एट मच यू गॉट ठीक है और यदि हो गया तो आ जाओ जल्दी से प्रेजेंट परफेक्ट पे आप वॉट डज इट से प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहता है आपसे देखो मजा आ रहा है ना दोस्तों टेंसेज को ना इतने ब्रॉड रूप में शायद हम पहली बार पढ़ रहे हैं मेरे अंदाज से यदि पढ़ा है आप लोगों ने तो आई ट्रूली क्लैप आई ट्रूली प्रेज इट्स अ कमेंडेबल परफॉर्मेंस फॉर यू लेकिन आज यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो मस्ती से पढ़िए क्योंकि आज के बाद टेंस की कोई भी दिक्कत आपके संग तो नहीं रह जानी चाहिए और बाकियों को जब आप वीडियो शेयर करेंगे तो यार उनके संग भी नहीं रह जाएगी ठीक है ना आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट क्या कह रहा है भाई प्रेजेंट परफेक्ट को आप हिंदी में कहते हैं चुका है चुकी है या फिर या है, यी है। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी पास परफेक्ट के संग किया था ना ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट के संग चुका है चुकी है या फिर या है यी है ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट फिर से मैं आपसे कहूंगा चुका है चुकी है या फिर या है, यी है ये कहलाती है प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान मैं जा चुका हूं वे आ चुकी है वे नाच चुके हैं वे कूद चुके हैं क्या उन्होंने खाना खाया है क्या वे नहा लिए हैं तो ये है ये है या फिर चुका है चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस बहुत सिंपल होते हैं

ठीक है तो हैज और हैप के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म रूल क्या होता है रूल सिंपल है सबका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट एग्जांपल ला जाओ एग्जांपल के तौर पे यदि मैं आपको बताऊं तो मैं आपसे कहूंगा जैसे वह गाना गा चुका है एक काम करते हैं वह यानी लड़के से अच्छा नहीं लगेगा गाना लड़की से गप बातें वह गाना गा गाना चुकी है तो क्या बनाओगे जैसे मैं कहूं कि अंजलि गाना गा चुकी है तो अंजलि गाना गा चुकी है तो क्या कहोगे अंजलि हैज क्योंकि हैज है सिंगुलर अंजलि गाना गा चुकी है तो गाने की क्या होती है भाई सिंग सैंग संग थर्ड फॉर्म सिंग की तीन फॉर्म होती है ये ध्यान रखेंगे आप लोग सबकी फॉर्म तीन बताई मैंने आपको चार तो सिंह सैंग सेकेंड फॉर्म जो कि पास नेफर ने में यूज होती है एंड थर्ड संघ तो अंजलि हैज संघ सॉन्ग अंजलि हैज अ सॉन्ग अंजलि एक गाना गा चुकी है तो अंजलि हैज अ सॉन्ग एंड दैट शुड बी द राइट आंसर ठीक है आ जाओ नंबर सेकेंड एग्जांपल पे नंबर सेकंड में आपसे कहूं कि uh, वह नहीं भाग चुका है वह नहीं भाग चुका है तो वह की इंग्लिश क्या होगी अच्छे काम करते हैं प्लूरल लेते हैं ठीक है तो प्लूरल में हम लेंगे कि हम नहीं भाग चुके हैं तो वी हैव नॉट रन की थर्ड फॉर्म रन रन रैन रन तो वी हैव नॉट रन पुलिस क्लियर चलो नंबर थर्ड करें तो नंबर थर्ड में क्या कह रहा है नंबर थर्ड में यदि मैं आपसे कहूं uh, <laughs> क्या उसने तीन आम खाए हैं क्या उसने तीन आम खाए हैं तो क्या उसने हैज ही ईट मैंगोज एंड क्वेश्चन मार्क हैज ही थर्ड फॉर्म ठीक है तो क्या बनेगा नॉट इटिन ठीक है सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगा दोगे नॉट अब यदि कहू कि डब्ल्यू एच फैमिली बनाइए तो डब्ल्यू एच फैमिली मैं आपसे कहूं आ, क्या फरहीन तो डब्ल्यू फैमिली में नहीं क्या से नहीं बनाएंगे डब्ल्यू फैमिली को क्या से कैसे बनाएंगे व्हाट नहीं लगाएंगे हम बनाएंगे कि फरहीन यहां से क्यों चली गई है फरहीन यहां से क्यों चली गई है तो मैं कहूंगा व्हाई हैज एक नाम है ये फरहीन जाने की गो की थर्ड फॉर्म गॉन वाय हैज फरहीन गॉन यहां से फ्रॉम हियर क्वेश्चन मार्क वाई हैज फरहीन गॉन फ्रॉम हियर फरहीन यहां से क्यों चली गई है तो वाई हैज फरहीन गॉन फ्रॉम हियर क्वेश्चन मार्क एंड दैट्स ऑल तो मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी बहुत क्लियर कट समझ में आई होंगी हैज के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट right? सो so दोस्तों ये थे एग्जाम्पल चलिए ये है आपके सामने एक्सरसाइज जल्दी से कर जाइए अब और मुझे बताइए कितने लोगों को ये समझ में आई जल्दी से कर जाएं वीडियो पॉज कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें और इनको करना चालू करें मैं कराता हूं आपको फिर इसके आंसर्स फिर आप मैच करेंगे आर व्यू रेडी चलो आ जाओ तो सैनस ने से क्या कहा नंबर वन ही गेव मी अ पेन चूंकि हम क्या कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट तो सिंपल है गेव नहीं आएगा ही हैज गिवन आ जाएगा क्योंकि ही सिंगुलर होता है तो हैज के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हैज गिवन मी अ पेन वी लर्न आर लेसन हमने अपना पार्ट याद किया तो चूंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट कर रहे हैं तो वी हैव लर्न ठीक है वी हैव लर्न आर लेसन चलो फिर है दे प्लेड विद मी वो मेरे संग खेले तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो दे हैव प्लेड ठीक है देन यू लिव्ड इन दिस हाउस तो भैया यू है प्रेजेंट परफेक्ट में हैव लिव्ड क्लियर है यू के संग यू प्लूरल है तो हैव लिव्ड शी डिड नॉट लाइक मी तो यहां पे डिड नहीं आएगा और लाइक like की थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो शी हैज नॉट लाइक्ड क्योंकि शी सिंगुलर है तो हैज नॉट लाइक्ड ऐसे ही वॉज आई गोइंग देयर अब भैया तो बन हमें बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट तो आई गोइंग देयर का क्या बनेगा आई प्लूरल है तो हैव आई गॉन देयर यहां पे कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आई होगी <laughs> इसको ध्यान से करेंगे हैव आई गॉन देयर ठीक है प्रेजेंट परफेक्ट विल बॉयज नॉट प्ले हॉकी तो भैया प्रेजेंट परफेक्ट है तो विल बॉयज नहीं आएगा और प्ले play का प्लेड हो जाएगा तो बॉयज है तो हैव बॉयज फिर क्या है नॉट प्लेड और हॉकी का हॉकी लिख देंगे तो वो uh, क्यों आया क्योंकि बॉयज प्लूरल है ठीक है रितु हैड नॉट यूज हर सेलफोन तो भैया नहीं आएगा रितु के संग हैज नॉट आ जाएगा रितु हैज नॉट यूज हर सेलफोन एंड आई होप कि एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस वन सबको ये बात क्लियर हुई होगी बहुत अच्छे से ठीक है चलो ये थे दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि हाउ मच यू गॉट आउट ऑफ इट। हाउ मेनी मार्क्स डिड यू गेट गाइस चलो आ जाते हैं दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे आप कि भैया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या कह रहा है आपसे सबको समझ में तो आ रहा है ना मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि आज की क्लास में सबसे ज्यादा मजेदार और मजे की बात क्या रही आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सबसे मजा आपको किस में आया या क्या पढ़ने में आया ठीक है या किस टाइम आया तो आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट जैसा कि मैंने आपको बताया कि परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होते हैं ना वो कंटिन्यूअस का ही मीन निकालते हैं जैसे पास कंटिन्यूस था तो क्या निकाल रहा था रहा था रही थी लेकिन समय के साथ ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो निकालेगा यही रहा है रही है लेकिन समय के साथ टाइम आ जाएगा तो हिंदी पहचान क्या होती है रहा है रही है प्लस समय समय जरूर आएगा ठीक है ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आप इसको हम कैसे करेंगे इंग्लिश में Has या याफ के संग बीन प्लस वर्ब की आई एनजी फॉर्म सिंस या फॉर के संग टाइम मतलब आएगी, आएगी। हैज हूं मैं और फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है और प्लस टाइम आता है ठीक है और रूल क्या होता है पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब मतलब हैज और बीन प्लस वर्ब की आईएनजी सिंस फॉर और टाइम क्लियर हुआ सिंपल है चलो एग्जाम्पल में यदि मैं आपसे कहूं तो मैं आपसे कह सकता हूं मैं दो बजे से पतंग उड़ा रहा हूं मैं दो बजे से पतंग उड़ा रहा हूं तो आई उड़ा रहा हूं आई प्लूरल है तो आई हैव बीन उड़ाने की फ्लाइंग इट पहले तो इतना क्लियर कर लें मैं पतंग उड़ा रहा हूं आई हैव बीन फ्लाइंग अकाइट मैं उड़ा रहा हूं एक पतंग तो आई हैव बिन फ्लाइंग अकाइट कब से भैया दो बजे से तो दो बजे क्या है एक पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस टू ओ क्लॉक सिंपल था आई प्लूरल है तो आई के संग हैव बीन आ गया फ्लाइंग आ गया वर्ब एंजी फॉर्म अकाइट सिंस टू ओ क्लॉक सेकेंड आ जाओ सेकेंड ने कहा शी यदि आपसे कहूं वह दोपहर से मिठाइयां खा रही है वह दोपहर से मिठाइयां खा रही है तो शी नेगेटिव बनाते हैं वो नहीं खा रही है वह दोपहर से मिठाइयां नहीं खा रही है तो शी हैज नॉट बीन ईटिंग खाने की ईटिंग होती है she has not been eating क्या नहीं खा रही है मिठाइयां she has not been eating sweets कब से नहीं खा रही है दोपहर से तो दोपहर का मतलब क्या हो गया हमें नहीं पता फॉर Noon लेकिन since morning since evening और since noon लगाते हैं ये ध्यान रखिएगा मॉर्निंग के लिए इवनिंग के लिए और Noon के लिए since लगता है तो यहां पे for लगाने की कोशिश मत करिएगा यहां लगाइए since afternoon या since noon क्लियर मॉर्निंग इवनिंग और आफ्टरनून ये भी नाइट भी ये भी एक निश्चित समय होते हैं नंबर थर्ड आ जाओ क्या वह दो दिन से बातें कर रहा है क्या वह तो वह मतलब लड़का तो पहला जाएगा हैज ही बीन टॉकिंग इतना क्लियर हुआ आप लोगों को क्या वह कर रहा है बातें हैज ही बीन टॉकिंग हमने हैज आगे क्यों लगाया क्योंकि क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वो पहले आती है किसके लिए लगाया ही के लिए यदि यहां प्लूरल होता तो हैव आता सिंगुलर है तो हैज लगा दिया हैज ही बीन टॉकिंग क्या वो बातें कर रहा है कब से भैया दो दिन से फॉर टू डेज क्वेश्चन मार्क ठीक है अब आ जाओ नेगेटिव क्या बन जाएगा इसका हैज ही नॉट बीन यदि आपको यहां पे नॉट लगाना है तो आप यहां नॉट लगा सकते हो ठीक है अब आ जाते हैं नंबर फोर पे डब्ल्यू एच फैमिली और डब्ल्यू एच फैमिली क्या है यदि मैं आपसे कहूं डब्ल्यू एच फैमिली के तौर पे इसमें वे कहां कहा नहा रहे हैं सुबह से तो कहां वेयर वे कहा आ रहे हैं तो वेयर हैव दे बीन टेकिंग बाथ सिंस मॉर्निंग टंट आया है देखिए वेयर हैव दे बीन टेकिंग बाथ वो कहां नहा रहे हैं नहाने को हम लोग टेक बाथ कहते हैं ना ठीक है और इसकी एक इंग्लिश बेदिंग भी होती है या आप सिंपल वर्ब लगाना चाहें तो बेदिंग भी हो सकती है तो वेयर हैव दे बीन टेकिंग बाथ सिंस मॉर्निंग सुबह से एंड दैट्स इट क्लियर है सबको समझ में आया यदि तो जल्दी से आ जाओ और ये एक्सरसाइज कर डालो यू हैव ओनली फोर क्वेश्चंस ओनली फोर क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लें और या फिर आप वीडियो को पॉज करके करें इनको मैं बताता हूं इसके आंसर कि क्या सही आंसर होने चाहिए इन क्वेश्चन के ठीक है चूंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट कर रहे हैं तो हमें परफेक्ट कंटिन्यूस के रूल्स ध्यान में रखने पड़ेंगे इसमें ही मी अ पेन फॉर टू डेज सेंसलेस है आप फॉर टू डेज के लिए गेव कैसे लगा सकते हैं तो आप लगाएंगे ही हैज बीन गिविंग ठीक है सिंस और फॉर के संग आप हमेशा क्या लगाते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म और हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कर रहे हैं तो हैज बीन प्लस आईएनजी वी आई लेसन सिंस मंडे यहां सिंस मंडे आ गया तो यहां लर्नट नहीं आना चाहिए वी हैव बीन लर्निंग वी हैव बीन लर्निंग आर लेसन सिंस मंडे हम मंडे से अपना पाठ याद कर रहे हैं तो हैव बीन लर्निंग ठीक है ऐसे यहां पे आ जाओ सिंस मॉर्निंग आ गया तो दे प्लेड विद मी ना दे हैव बीन प्लेट का आ जाएगा प्लेइंग दे हैव बीन प्लेइंग विद मी सिंस मॉर्निंग दे हैव बीन प्लेइंग विद मी सिंस मॉर्निंग वे सुबह से मेरे साथ खेल रहे हैं आ जाओ यहां पे ये है फॉर टेन इयर्स तो लिव नहीं आएगा यू हैव बीन लिविंग

तो स लिखें कुछ पूछना है तो वो आप लिखेंगे ठीक है चलो अब आते हैं दोस्तों वन एंड ओनली लास्ट फ्यूचर के तो फ्यूचर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं फ्यूचर क्या है सभी लोग जानते हैं फ्यूचर का मतलब आने वाला जो आने वाला है वो फ्यूचर है प्रेजेंट जो है और पास्ट जो बीत गया तो हमने कहा फ्यूचर के लिए और फ्यूचर इंडेफिनेट तो सिंपल है जहां पे गा गी और गे जैसे वर्ड आ जाए वो फ्यूचर इंडेफिनिट को दिखाता है ठीक है और सिंपल इसकी वर्ब होती है विल या शेल उसके संग सबके शैल केवल केवल, का यूज करते हैं आप सबके साथ विल का यूज करिए लेकिन आई और वी के संग आप शेल का यूज करिए तो विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है फ्यूचर इंडेफिनिट रूल क्या कहलाता है इसका रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के संग हेल्पिंग वर्ब मतलब विल और उसके बाद मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे कहूं एग्जाम्पल के तौर पर तो मैं कह सकता हूं मैं नाचूंगा मैं नाचूंगा तो आय आई के संग शेल आएगा ई शैल डांस आई शेल डांस मैं नाचूंगा सिब्बो सेकेंड मैं आपसे कहूं वे कपड़े नहीं धोएंगे वे कपड़े नहीं धोएंगे तो वे की इंग्लिश दे नॉट वॉश क्लोथ्स दे विल नॉट वॉश क्लोथ्स वे कपड़े नहीं धोएंगे तो विल नॉट के संग विल नॉट के संग वॉश ठीक है नंबर थर्ड नंबर थर्ड में आपसे कहूं क्या तुम बाजार जाओगे Will you go to market? विल पहले आ गया फिर यू गो टू मार्केट विल के संग? क्योंकि यू के संग विल आता है दे के संग विल आता है लेकिन आई के संग शेल क्या तो मार्केट जाओगे विल यू गो टू द मार्केट एंड नंबर फोर नेगेटिव क्या बनेगा इसका इसका नेगेटिव बनेगा विल यू नॉट गो टू मार्केट ठीक है और नंबर फोर हो गया यदि मैं आपसे कहूं क्या हम क्या हम हम क्या करेंगे क्या हम पढ़ेंगे तो हम के लिए वी आएगा वी के संग शैल आता है ठीक है शेल वी स्टडी क्वेश्चन मार्क सिंपल था सभी लोग कर सकते हैं ये ठीक है फिर से समझा देता हूं आपको एक बार फ्यूचर इंडेफिनेट को हम कहते हैं गा गी गे रिप्रेजेंट करते हैं हिंदी में

हाँ uh, uh, will you not लग जाएगा और wh फैमिली अच्छा wh फैमिली से मैंने यूज ही नहीं करी यहाँ पे तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि हम कब पढ़ेंगे तो शैल के पहले मैं लगा सकता हूँ कब नहीं हम क्यों पढ़ेंगे तो why shall we study कब पढ़ेंगे तो when shall we study कैसे पढ़ेंगे तो how shall we study आप ऐसे करके बना सकते हैं ठीक है चलिए करेक्ट द सेंटेंस स्क्रीनशॉट ले लें या तो और या फिर आप इसे वीडियो पॉज करके करें ठीक है आ जाओ चेक करेंगे कितने सही किए रीता अब्यूजेस फ्यूचर में हम एब्यूज नहीं करते रीता विल अब्यूज तो ये गलत है करेक्शन हो जाएगा विल अब्यूज का दोस्तों यही ऐसा ही कुछ आपके एग्जाम में आता है करेक्शन करने को तो आपको मालूम है तो आप आसानी से करेक्ट कर सकते हैं रीता विल अब्यूज हर ब्रदर क्योंकि फ्यूचर में हम एब्यूज का यूज नहीं करते वी प्लेड प्लेट तो पास एंड डेफिनेट है हमें कहना है फ्यूचर तो वी शैल प्ले ठीक है ऐसे ही हर हस्बैंड गोज या गोज का कोई सेंस नहीं होगा क्योंकि हमें फ्यूचर यूज करना है तो हर हस्बैंड विल गो दे हैव लिव्ड इन मुंबई तो हैव संग वर्ब की थर्ड फॉर्म जबकि हमें फ्यूचर यूज करना है तो दे विल ठीक है आई प्लग द फ्लॉर यहां प्लग नहीं आएगा क्यों क्योंकि फ्यूचर है ये तो आई शेल प्लक आएगा आई शेल लेता है तो आई शेल प्लक मैं आशा करता हूं कि मेरे सभी दोस्तों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ठीक है अपने मार्क्स मुझे आप बताएंगे कि फ्यूचर में आपने कितने गेन किए चलो ये सबको क्लियर है तो आ जाओ फ्यूचर कंटिन्यूस कंटिन्यूस है तो सभी जानते हैं रहा रही रहे आता है फ्यूचर है तो मतलब हो गया रहा होगा रही होगी रहे होंगे पहले तो आप ये समझ लें फ्यूचर कंटिन्यूस में रहा होगा या रही होगी ठीक है के ये एक और होता है इसमें will और शेल, फिर के ये future continuous में ध्यान देने वाली बात है will शेल के साथ आपको बी का यूज जरूर करना है बी नहीं लगाएंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं बन पाएगा अच्छा विल सबके संग जबकि शेल आई और वी के साथ जो हमने पिछले में भी किया था ठीक है और वर्ब के आई एनजी फॉर्म चूंकि कंटिन्यूअस है सब और उसका रूल क्या होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है विल और मेन वर्ब क्या है बी प्लस आई जी ठीक एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कुत्ते भौंक रहे होंगे कुत्ते भौंक रहे होंगे तो कुत्तों क्या होती है डॉग्स डॉग्स के संग विल भी आ जाएगा और भौंकने की बार्क बार्क में आई एनजी फॉर्म लग जाएगी तो डॉक्स विल बी बार्किंग ठीक है सेकेंडरी मैं आपसे कहूं दुकानदार दुकानों को बढ़ा रहे होंगे बंद कर रहे होंगे तो दुकानदार की इंग्लिश शॉपकीपर्स विल बी क्लोजिंग शॉप्स शॉप कीपर्स विल बी क्लोजिंग शॉप्स क्यों क्योंकि शॉपकीपर्स फ्लूरल है तो विल बी के संघ वर्ब की आई एनजी फॉर्म और शॉप नेक्स्ट यदि नेक्स्ट मैं आपसे कहूं तो मैं कह सकता हूं आ, मैं क्या मैं क्या मैं कैसे नस बनाऊंगा मैं आपके लिए न, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूंगा तो क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूंगा शेल आई बी बी को नहीं भूलना ये ध्यान रखें शेल आई बी टीचिंग यू क्वेश्चन मार्क ठीक है और डब्ल्यू एच फैमिली से बनाए तो डबल uh, फैमिली से मना सकते हैं तुम कब घर लौट रहे होगे तुम कब घर लौट रहे होगे तो वैन विल यू बी रिटर्निंग होम क्वेश्चन मार्क वेन विल यू बी रिटर्निंग होम तुम घर कब लौट रहे हो गए वेन विल यू बी रिटर्निंग हो ये हो गए दोस्तों आपके सेंटेंसेस मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी बहुत अच्छे से कि हमने कैसे इन सेंटेंसों पे अपना वर्चस्व स्थापित किया ठीक है कि फ्यूचर कंटिन्यूस क्या होते हैं विल बी शैल बी प्लस आई एनजी और ये है एग्जाम्पल्स ठीक है बच्चों रहा होगा रही होगी विल आता है सब प्रोनाउन के साथ केवल आई और बी को छोड़ के क्योंकि आई और बी के संग आता है शेल बी को भूलना नहीं है बी जरूर आएगा वर्ब की आई एनजी फॉर्म आएगी ठीक है अब चलती आ जाइए करिए एक्सरसाइज क्या होगा एक्सरसाइज का वीडियो को पॉज कर लें वीडियो को पॉज कर लें और या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें चलिए सैने से कहा रीता अब्यूज हम फिर कर रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस तो रीता विल बी अब्यूजिंग आ जाएगा विल बी अब्यूजिंग वुड बी द नाइस आंसर क्यों भैया क्योंकि ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट लिख रखा है इसने अब्यूजिस हमें बनाना है फ्यूचर कंटिन्यूअस क्योंकि हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस किया है अभी विल बी अब्यूजिंग ऐसे ही सेकेंड में वी प्लेड तो वी प्लेड नहीं वी शैल बी प्लेइंग ठीक है ऐसे ही हर हस्बैंड गोज प्रेजेंट एंड डेफिनेट नहीं होगा हर हस्बैंड विल बी गोइंग ठीक है ऐसे ही फोर्थ में दे हैव लिव्ड इन मुंबई जी नहीं फ्यूचर कंटिन्यूस में हैव लिव्ड नहीं आता है द प्रेजेंट परफेक्ट में आता है दे विल बी लिव्ड के प्लेस पे लिविंग इन मुंबई और ऐसे ही आई प्लग अ फ्लार तो प्लगड पास एंड डेफिनेट हो गया आई शैल बी और प्लग के आई प्लकिंग आई शैल बी प्लकिंग अ फ्लार ठीक है सो ये है दोस्तों आपके सेंटेंसेस जो मैं समझता हूं कि आप सबको क्लियर हुए होंगे और आपने ये सारे के सारे सही किए होंगे ठीक है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस तक आप सबको बहुत अच्छे से हर एक चीज समझ में आ गई होगी राइट right? अब आ जाइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों फ्यूचर परफेक्ट जो कि अपने आप में बहुत ही कम यूज होने वाला सेंटेंस है और टेंस का होगा बहुत ही कम यूज होता है लेकिन एग्जाम का पता नहीं है और एग्जाम का भरोसा नहीं है कि वो कब दे दे हमें कुछ भी तो हमें आना जरूर चाहिए फ्यूचर परफेक्ट दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम है हिंदी होती है इसकी चुका होगा चुकी होगी कभी भी आप यूज करेंगे तो चुका होगा या चुकी होगी चुका होगा या चुकी होगी ये होता है फ्यूचर परफेक्ट परफेक्ट लग गया तो हैव जरूर लगेगा ध्यान रखिए विल हैव और शैल हैव काफी स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है सर विल हैव और शैल हैव ये हैव तो प्रेजेंट में आता था जी हाँ एग्जैक्टली exactly. केवल हैव प्रेजेंट में आता है लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव का यूज करते हैं हैज और हैड यूज मत कर लीजिएगा गलती से हैज और हैड का यूज आप नहीं करते हैं. तो या तो विल हैव

ये चुका होगा चुकी होगी के संग आप यह भी कह सकते हैं या होगा ये होगी या होगा या ये होगी तो जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल में कहूं तो आई कैन से वह नहाली होगी तो वह नहाली होगी शी शी के संग विल लगेगा have टेक इन एंड देन बाथ शी विल हैव टेक इन बाथ वो नहाी होगी सिंपल सेकेंड यदि मैं आपसे कहूं तुमने गाना गा लिया होगा या तुमने गाना नहीं गाया होगा तुमने गाना नहीं गाया होगा तो यू will not have, will have not, you will not have sung a song.

शेल वी हैव खाना खा चुके होंगे ईट इन फूड क्वेश्चन मार्क शेल लगा क्योंकि वी था उसके बाद हैव आया फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फूड ठीक है और डब्ल्यूएच फैमिली से बनाए तो डब्ल्यू एच से हम कह सकते हैं तुम यहां कब आ चुके हो गए तो कब के लिए वैन विल यू हैव आने की कम कम की थर्ड फॉर्म कमी होती है वैन विल यू हैव कम हियर क्वेश्चन आप वैन विल यू हैव कम हियर तुम यहां कब आ चुके होगे तो वैन विल यू हैव कम हियर एंड दैट्स इट क्लियर दोस्तों तो ये थे आपके सेंटेंसेस जो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे बहुत अच्छे से सेंटेंस में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है कि सेंटेंस को कैसे आपको कैच करना है कैसे पकड़ना है तो विल हैव 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 के 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 संग form, के संग form, के संग थर्ड 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 फॉर्म 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 विल नॉट और यहां विल के संग थर्ड फॉर्म हैव थर्ड फॉर्म इन सब चीजों पे आपको खास ध्यान रखना है आ जाइए जल्दी से एक्सरसाइज ये है आपके सामने एक्सरसाइज जल्दी से फ्यूचर परफेक्ट को दिखा दीजिए कि आपको ये पूरा का पूरा आ गया है स्क्रीन शॉट ले लें और या फिर आप वीडियो पॉज करके कर लें करते हैं ये करेक्शन और मिलाएंगे आप कि कितने आप में से ऐसे हैं जिन्होंने कुछ गड़बड़ करी है इसमें सेन से कहा रुकमणी टॉट हर ब्रदर रुकमणी ने अपने भाई को पढ़ाया तो फ्यूचर परफेक्ट है तो टॉट नहीं आएगा विल हैव हाँ टॉट आएगा सिंपल सा करेक्शन करेंगे

हर हस्बैंड हैज रिटर्न फ्रॉम सिनेमा यहां आप हैज के संग थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट जबकि होना चाहिए विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म विल हैव के संग थर्ड फॉर्म मतलब रिटर्न तो रिटर्न तो है ही कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए बस विल हैव रिटर्न आ जाएगा ठीक है ऐसे आ जाइए दे हैव लिव इन मुंबई तो हैव लिव है तो यहां पर विल हैव लिव्ड आ जाएगा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट जो होता है वो शेल हैव के संग थर्ड फॉर्म और विल हैव के संग थर्ड फॉर्म लेता है आई प्लग द फ्लावर गड़बड़ है आई हैव प्लग द फ्लावर सॉरी हैव नहीं विल हैव और आई है तो शेल हैव लगाइए I shall have plugged a flower. Is it clear? मैं आशा करता हूं कि आप सबको बहुत अच्छे से बात समझ में आई होगी कि हमने कैसे किया और क्या क्या किया इसमें ठीक है दोस्तों ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट का जो आप सबको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से आ जाइए इसको फिनिश करने के बाद करते हैं लास्ट सेंटेंस आज का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो कि बिल्कुल भी यूज नहीं होता हमारी इंग्लिश में लेकिन आना जरूर चाहिए क्योंकि कभी भी यूज हो सकता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है तो वही वाली बात आ गई कि इसकी हिंदी तो वही होगी जो कंटिन्यूअस की होती है रहा होगा रही होगी रहा होगा या रही होगी इसकी हिंदी होती है और इंग्लिश में आप कह सकते हैं विल हैव शैल बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस है तो मतलब टाइम दे रखा है और टाइम दे रखा है तो बीन जरूर आएगा विल हैव बीन है शेल का आप यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो अभी तक हमने पढ़ा था और फॉर का यूज करते हैं आप पीरियड ऑफ टाइम के लिए ठीक है और टाइम तो टाइम ही है और यहां पे आ जाइए रूल पे तो रूल ने क्या कहा रूल ने कहा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब की आई एन फॉर्म क्लियर हो गया यह आपका दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू जैसे हिंदी में हम कहते हैं हम दो घंटे से पढ़ रहे होंगे पिताजी बाजार छह बजे से जा रहे होंगे माँ आठ बजे से खाना बना रही होंगी ठीक है मेरी दादी शाम से पूजा कर रही होंगी तो कोई फ्यूचर की संभावना के लिए आप जो अटकल लगाते हैं कि ऐसा हो रहा होगा मुझे मालूम नहीं कि है कि ऐसा है कि नहीं है लेकिन ऐसा हो रहा होगा यूजुअली ऐसा होता है इसीलिए ऐसा हो रहा होगा तो वही सेंटेंस हम यूज करते हैं यहां पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को ठीक है अब एग्जांपल देखेंगे आप जैसे आपसे एग्जांपल में कहूं वे शाम से घर लौट रहे होंगे वे शाम से घर लौट रहे होंगे तो वे का मतलब दे दे के संघ विल आएगा और विल के संग क्या जाएगा हैव बीन रिटर्निंग दे विल हैव बीन रिटर्निंग वे लौट रहे होंगे तो दे विल हैव बीन रिटर्निंग शाम से सिंस इवनिंग तो सेंस हो गया दोस्तों दे विल हैव बीन रिटर्निंग सिंस इवनिंग वे शाम से घर लौट रहे होंगे तो वे दे लौट रहे होंगे हैव बीन रिटर्निंग शाम से सिंस इवनिंग क्लियर है सेकंड आ जाओ सेकंड मैं आपसे कहूं आ, हम दो घंटे से चाय पी रहे होंगे तो हम दो घंटे से पी रहे होंगे या हम नहीं पी रहे होंगे नेगेटिव बनाते हैं वी शेल लेगा फिर मैंने आपको बताया कि हैव और शेल के बीच में लगाएंगे तो वी शेल नॉट हैव बीन पी रहे होंगे सिपिंग चाय जो है वो ड्रिंक नहीं की जाती वो सिप की जाती है तो वी शेल नॉट हैव बीन सिपिंग टी दो घंटे से फॉर टू आवर्स फुल स्टॉप तो सेंटेंस बन गया वी शैल नॉट हैव बीन सिपिंग टी फॉर टू आवर्स ठीक है वी के संग शैल नॉट हैव बीन क्यों लगाया क्योंकि शैल हैव बीन लगता है नेगेटिव था तो नॉट लगा दिया सिपिंग वर्ब की आई एनजी फॉर्म आ जाइए नंबर थर्ड पे क्या तुम क्या तुम, क्या तुम क्या तुम क्या तुम क्या तुम क्या कर रहे होगे क्या तुम आ, क्या तुम दोपहर सुबह ग्यारह बजे से क्या तुम सुबह ग्यारह बजे से पढ़ रहे होगे तो तुम पढ़ रहे होगे तो विल यू हैव बीन स्तरिंग ग्यारह बजे से सिंस एलेवन ओ क्लॉक ठीक है राइटर ने क्या कहा विल यू हैव बीन विल हैव यू बीन नहीं दोस्तों विल हैव एक्सुअल एक्सन आएगा यहां पे ये गड़बड़ हो गई है विल हैव एक्संग लगाइए मैं इसको हटा देता हूं थोड़ा विल हैव यू बीन आना चाहिए ना कि विल यू हैव बीन आएगा सेंटेंस बन जाएगा विल हैव यू बीन नहीं वो पहले वाला ही सही था वो पहले वाला ही सही था विल के बाद यू और लगाइए। हाँ। और since यहां से। क्या ग्यारह बजे से तुम पढ़ रहे होगे? विल यू हैव बीन स्टरिंग सिंस इलेवन ओ क्लॉक ठीक है अब आ जाइए लास्ट और लास्ट क्या है आपका बच्चों लास्ट है आपका डब्ल्यू एच फैमिली डब्ल्यू तो एच में हम बनाएंगे हाँ से। तुम कैसे क्या बनाएंगे तुम कैसे भाग रहे होगे? नहीं नहीं एक अलग सेंटेंस बनाते हैं आ, तुम कैसे खाना बना रहे होगे? आ, शाम से? तुम शाम से कैसे खाना बना रहे होगे? तो हाउ वह कैसे शाम शाम से खाना बना रहा होगा यहां पे यू यू हो जाएगा तो हम वह लेते हैं हाउ विल ही कुकिंग फूड या केवल कुकिंग लगा सकते हैं सिंस इवनिंग क्वेश्चन मार्क हाउ विल ही हैव बीन कुकिंग फूड सिंस इवनिंग वह शाम से खाना कैसे बना रहा होगा यह हो गया दोस्तों आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ठीक है मैं आशा करता हूं कि सबको क्लियर हुआ होगा सिंपल सा है रहा होगी रही होगी या रहे होंगे ऐसा ठीक है रूल क्या होता है विल हैव या शैल हैव शैल हैव आई और वी के संग बाकी सबके संग विल हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म सिंस और फॉर के साथ दैट्स इट चलो जल्दी से आ जाओ फिनिश करो दोस्तों ये एक्सरसाइज आप सब के लिए स्क्रीनशॉट ले लें ले और या फिर वीडियो को पॉज करके इसे करें चलो सेंटेंस सिंपल है रुकमनी टॉट हर्ब अच्छा यहां पे मैंने टाइम नहीं दे रखा है किसी भी सेंटेंस में हाँ तो परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बन सकता इनमें से किसी का भी क्योंकि हमने टाइम नहीं दे रखा तो हमें टाइम यहां पे लगाना पड़ेगा इनमें से किसी का भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं बनेगा क्योंकि हमें टाइम देना चाहिए तो टाइम के लिए हम काम करेंगे रुकमनी टॉट तो हम कह सकते हैं टीचिंग हर ब्रदर टाइम हम कोई भी लगा लेते हैं सिंस वन ओ क्लॉक क्योंकि हमें इसको सही करना है तो सिंस वन ओ क्लॉक ठीक है ऐसे ही वी सेट इन द गार्डन तो ये हो जाएगा वी शेल हैव बीन सिटिंग इन द गार्डन कब से फॉर थ्री आवर्स तीन घंटों से तो यहां पे हम इसी चीज को फिट कर देंगे ठीक है ऐसे ही हर हस्बैंड हैज रिटर्न फ्रॉम सिनेमा हर हस्बैंड विल हैव बीन रिटर्निंग फ्रॉम सिनेमा फॉर फोर आवर्स राइट

द लास्ट वन आई प्लग अ फ्लॉर तो प्लग को हटा दो आई शेल हैव बीन प्लग की हो जाएगी प्लकिंग आई शेल हैव बीन प्लकिंग अ फ्लार कब से एक घंटे से तो आई शैल है प्लकिंग फ्लार फॉर वन आवर दट इसको देखे हमने कैसे किया है दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा होगा रही होगी विल हैव बीन शैल हैव बीन प्लस आई एन जी और हमने सही किया इनमें से किसी ने भी टाइम नहीं दे रखा था तो हमने जरूर टाइम को वहां पे पुट किया हमने टाइम रखा और उसके बाद हमने चेंजेस किए ठीक है ये थे दोस्तों आपके परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और मैं आशा करता हूं कि ये आपकी लास्ट स्लाइड थी टेंस की यहां टेंस दोस्तों आपके कंप्लीट होते हैं ये थे आपके बेसिक टेंसेस की क्लास और बेसिक टेंस आपके इंग्लिश में हर जगह काम आएंगी आज की क्लास कैसी रही ये आप मुझे जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स पे और साथ ही साथ अपने मार्क्स जो आपने गेन किए अपना कॉन्फिडेंस जो गेन किया या जो भी आपको लगा आप उसे कमेंट बॉक्स में मुझे दोस्तों जरूर 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 ध्यान से बताएं ठीक है जिससे कि मैं अपने एफर्ट्स और लगा सकूं अगली क्लास में और मैं आपको और बेहतरीन पढ़ा सकू ठीक है तो फिनिश करते दोस्तों ये टेंस अब आज के बाद कभी नहीं होंगे कभी नहीं होंगे मतलब आपको इतने कंठस्थ हो जाने चाहिए आप इनकी प्रैक्टिस इतनी कर लीजिएगा कि अब आपको कभी जरूरत ना पड़े और यदि कहीं कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आप मुझसे पूछें वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ फिनिश करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास को फिर मिलते हैं बहुत जल्दी टिल द था टाइम डोंट फॉरगेट टू तो मिस मी एंड स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री थैंक यू दोस्तों नमस्कार